ठीक है। हेलो, हाय शिवाय। हेलो, नमस्कार। मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? एक बार कंफर्म कर दूं आवाज़ आ रही है तो फिर बातचीत शुरू करें। हेलो अजय, हेलो सानिया, हेलो आर के, हाय सर, हाउ आर यू सर? फाइन। साही चंद्र, ओके। पवन, नमस्कार। शालिनी, हाय। इन्फिनिटी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ओके, आवाज़ आ रही है। ओके, चलिए, बढ़िया, अच्छी बात है। मैं आप लोगों को बता दूं पहले तो कि आज आ कौन रहे हैं। ठीक है, वैसे तो वो अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे, शायद ज़्यादा बेहतर दे पाए, क्योंकि अपने बारे में, मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई और जानता है। ठीक है, तो अपनी एजुकेशन, अपना आर्टवर्क की जर्नी, जो भी बहुत कुछ वो बताएंगे और उनसे हम बहुत कुछ सीखेंगे। वाटर कलर उनका बेहद खूबसूरत है, स्पेशली जो उनका स्काई का इफेक्ट है। वाटर कलर अच्छा है, नो डाउट, बट स्काई वाला जो इफेक्ट है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत खूबसूरत है। तो अंत तक बने रहना और काम सीखने की कोशिश करना। क्या वो बताते हैं? नाम है उनका दीपक शर्मा, है ना, और आप लोग उन्हें दूसरे नाम से भी जानते हैं, इंडियन स्काई स्कीपर्स। ठीक है, तो मैं एक बार थोड़ा सा उनको ज्वाइन कर लेता हूँ, देन फिर अपन बात करते हैं। सर जी, BFA के बाद क्या क्या इसका उपाय? मैंने कल लास्ट वाले वीडियो में डाला है ये सब कुछ, आप देख लें। रिक्वेस्ट सेंड कर दिए, वो आ रहे हैं अभी हमारे साथ। हाय। हेलो, हाय, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है ना। बिल्कुल। तो इनके दो नाम है, एक तो इंडियन स्काई स्कीपर्स और एक दीपक शर्मा। तो मुझे जो पर्सनली पसंद है वो इंडियन स्काई स्कीपर्स, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो अच्छा है, तो उससे बुलाया तो ज्यादा बेहतर है। मैं तो सही आपके जानता हूँ साथ, मेरे को। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो कोशिश करते हैं पहले तो थोड़ा बहुत उनके बारे में हल्का सा जान लें, वो खुद ही बताएंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। एक हल्का सा शॉर्ट दीपक आप इंट्रोडक्शन दे दें ताकि लोगों को पता चल जाए। जी, मैं बेसिकली मैं रांची से हूँ, मेरा स्थानीय निवास। फिर मैं अभी पुणे में रहता हूँ, मिलिन सर के पास। एंड लास्ट 5 इयर्स से 5 सालों से उन्हीं के पास हूँ मैं, और उनके साथ काम कर रहा हूँ। और वर्ल्ड वाइड एग्जीबिशंस ग्लोबली एंड सब जगह पे टीच भी करता हूँ वर्ल्ड वाइड। एंड एग्जीबिशंस, प्राइवेट क्लासेस, वर्कशॉप्स एंड प्राइवेटली ग्लोबली मेरा पेंटिंग कलेक्शन भी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हाँ, बस वही बहुत है, इनफ है। हाँ, आप लोगों को बता आई दूं, मिलिन सर, मिलिन मलिक सर की बात कर रहे हैं दीपक। और मेरा मानना है जो उनके साथ रहा है, जो उनके साथ सीख रहा है, तो वो वाटर कलर के बहुत नजदीक है, क्योंकि भारत में अगर वाटर कलर को एक ऊंचे लेवल पे और ऊंचे मुकाम पे कोई लेके गया है, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो मिलिन मलिक सर है। हाँ, ये मिलिन आज जी तो हर को कोई वाटर कलर कर रहा है, हर कोई, हर तीसरा वाटर कलर कर रहा है, बट उस दौर में, उस समय में वाटर कलर सर ने बहुत किया है। हम पढ़ते थे 2008 या 9 में, तब एकमात्र बुक थी किसी इंडियन आर्टिस्ट की जो मार्केट में थी, वो मिलिन सर की। सर का बुक 2000 में फर्स्ट बुक रिलीज हुआ है, देखो, वो पर्सपेक्टिव का। देन 2002, 2003, 2004 करके सर के अभी टोटली 15 बुक्स हैं। 15 बुक्स हैं, तो सीरियसली बहुत अच्छा है कि किसी इंडियन आर्टिस्ट की भी बुक्स हैं, और बहुत अच्छे से, बहुत हाँ, बिग बहुत अच्छा है उनका बुक। फैन सिंप्लीफाइड है। वर्क हाँ, है, लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। और स्वभाव के भी धनी है, स्वभाव से भी बड़े हाँ, बड़े सही है स्वभाव के सर। धनी है, नो डाउट, तो डाउन टू द अर्थ ह्यूमन बीइंग है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो दीपक, हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं ये जितना भी क्राउड है वो आपको हैंड ओवर करता हूँ, आप जिस तरीके से बताएंगे, आप जो चाहेंगे वो आप बताएं, है ना, स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करूं? बिल्कुल, आप स्टार्ट करें। ठीक है, 1 सेकंड रुक जाओ, बस अब कैमरा किधर गया, स्विच। अभी हाँ, हम परफेक्ट। डेमोस्ट्रेशन देखेंगे कि किस तरीके से, है ना, डेमोस्ट्रेशन शीट्स के बारे में, ब्रशेस के बारे में बहुत से सेशन हो चुके हैं, बट अभी फोकस पूरा ये रखना है। आपको कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, बट ये जो प्रश्नों का वार्तालाप होगा, जो भी कुछ होगा, वो अंत में करेंगे, ठीक है। अभी पूरा फोकस हमारा डेमोन्स्ट्रेशन पे रहेगा, तो कोशिश करें। आप अपना पूरा समय दे, आप मैं जितना देर रुकोगे मैं रुक जाऊंगा सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इससे अच्छी बात क्या है और। हाँ, 1 सेकेंड, विजुअल क्लियर है ना? बिल्कुल, मैं कमेंट सेक्शन को ऑफ कर रहा हूं, क्योंकि
क्योंकि अब क्योंकि वो स्क्रीन पे आएगा, बहुत से लोगों को पता है कमेंट्स किस तरीके से हटाते हैं, बट बहुत से लोगों को दिक्कत होती है, कमेंट्स वो हटा जैसे नहीं पाते, उसमें बड़ी दिक्कत होती एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मैं है। रैप हाँ एंड रूफ का ब्रांड एडुकेटर भी हूँ, उन्होंने एक स्केचबुक भेजा ओके था, मैं अपना उसमें कुछ काम दिखाता हूँ, उन्हीं की तरफ से स्पॉन्सर्ड जरूर है, सर, पेपर भी उन्हीं का स्पॉन्सर्ड है, मैं बेसिकली उनका प्रमोट करता हूँ, वो मेरे को मटेरियल स्पॉन्सर करते हैं। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, करिए आराम आराम से करिए आप। हाँ तो मैं कुछ काम दिखा देता हूँ एक बार उस पर। खूबसूरत, ये फर्स्ट टाइम ही मैं भी यूज कर रहा हूँ पेपर। ओके। ये पेपर किसके आसपास है, मतलब मिलता जुलता, किससे मिलता जुलता है, मतलब किस चित्रपट के कार्ट्रिज आसपास कार्ट्रिज से अच्छा है, है? अच्छा ओके कार्ट्रिज से बेटर ओके। है, मीन्स प्रैक्टिस के लिए भी और स्किल है आपके पास तो आप इस पे अच्छा काम निकाल सकते और क्या हो। प्राइस होगी इस स्केचबुक की, क्या प्राइस होगी इतनी, इस वाली की, इसकी क्या प्राइस कॉस्ट होगी? अराउंड 1 अराउंड, नहीं प्राइस मेरे को नहीं पता, अराउंड होगा 180 अराउंड, ठीक है रिजनेबल है, 25 ज्यादा नहीं सीट्स है चाहिए। इसमें ज्यादा हार्डली। हाँ हाँ खूबसूरत, ब्यूटीफुल। ये सब वन गो में है, आई डिड नॉट डिड मल्टीपल्स लेयर, नहीं है, एक बार में फिनिश किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये अभी किया था खूबसूरत। तो बस ये पेपर है, देख लो आप। खूबसूरत खूबसूरत, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं स्काई से। और अभी हम जो पेपर यूज में ले रहे हैं, आई थिंक चित्रपट लेने हैं ना? हाँ ये चित्रपट पेपर है, मैं मटेरियल्स भी दिखा देता हूँ आपको, देखो बिल्कुल ये चाइनीज ब्रश है, ठीक है, नॉर्मल सिंपल वन, ये साइप्रस है, ये नॉर्मल सिंथेटिक है, फ्लैट ब्रश, जनरली यूज में एक ही ब्रश करता हूँ, बट कभी जरूरत पड़ा मेरे को तो मैं इसके लिए इतना ठीक है सपोर्टिव एलिमेंट दीपक, हूँ। आपका ना नेटवर्क, आई थिंक नेटवर्क इश्यू कर रहा है, हल्का सा नेटवर्क इश्यू कर रहा है। हल्का सा अभी क्लियर, वेट वन हाँ सेकेंड मैं चेक, एक ब्रेक हो रही है सेकेंड आपकी, है ना, वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रहा है, एक सेकेंड रुक जाओ, नहीं होगा क्लियर है, कहाँ गया। अब नहीं हो रहा है ना ब्रेक, हेलो, हेलो, हाँ आ रही है आवाज ना, हाँ अभी आ रही है, लेकिन वीडियो बड़ा हाँ ब्रेक सा हो रहा है, थोड़ा शायद टाइम लेगा, वो हल्का सा टाइम हाँ लेगा, है ना? हाँ वो क्लियर कर लेगा, अभी मैंने चेंज कर दिया नेटवर्क। ये ठीक सारे है ब्रशेस हैं, ओके। पेंसिल है, दिखाता हूँ, ठीक है, ये पेंसिल होल्डर एंड पेंसिल, एंड दिस इज वाटर कलर पैलेट, ओके ये पैलेट कलर आप कौन से यूज में लेते हैं? कैमलिन है इसमें फिलहाल, कैमल आर्टिस्ट अच्छा वाटर कलर, ओके ओके ओके। अब फ्रेंच अल्ट्रामरीन, परमानेंट हाँ वाइट ग्रीन, गैम्बोजी और इंडियन येलो चलेगा, कोबाल्ट, सेरुलियन, जो पसंद है आप वो यूज करो, पेन्स ग्रे, येलो ओकर, वाइट एंड ऑरेंज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको थंबनेल, सबसे पहले मैं आपको थंबनेल करके दिखा रहा हूँ, वैल्यू स्टडी, एक छोटा सा देख लो पहले, बिल्कुल 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 सिंपल 5 बाय 5 इंच के बॉक्स बना लो, या फिर उससे छोटा चलेगा, जस्ट फॉर रफ आइडिया, ठीक ओके है। ओके ओके होराइजन ये पता है, रूल 70-30, 70% स्काई लूंगा, 30% लैंड, ठीक है। अब क्या ठीक है करना है, जनरली मैं रेडियल कॉम्पोजिशन बना रहा हूँ, जहां क्लाउड का फोर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के कंप्रेस होता है, सारे क्लाउड का बिल्कुल डायरेक्शन इस मोमेंट में आएगा, ठीक है
जो मेरे को फॉलो करते हो देखा है उन्होंने आएगा, और यहाँ पे एक माउंटेन ऐड करेंगे, ये ठीक पार्ट, है। ये स्पेस डिवीजन हो गया। ओके, कभी भी पेंटिंग करो तो बेसिक एलिमेंट्स, बेसिक डिजाइन जो होता है ना, प्रथम चरण का जो काम होता है, उस चीज को आप बेहतर, जितने बेहतर, जितने ढंग से करोगे, आपका आगे का घनत्व और अच्छा आएगा, तो बिल्कुल आपका पेंटिंग और पावरफुल, बहुत एक्सप्रेसिव रहेगा। तो जो क्षितिज लाइन है और जो डायरेक्शनल लाइन है, उसको बहुत अच्छे से डिवीजन कर लो, और फिर उसके बाद प्रोसीड करो कलर के लिए, क्योंकि रंग करने में आप जितना जल्दबाजी करोगे, आपका उतना जो रेखा चित्र है वो बहुत लैक करेगा। तो बिल्कुल जितना ज्यादा से ज्यादा आप ड्राइंग पे फोकस करोगे, वो उतना ज्यादा बेहतर होगा। तो जो घटक है उसको पहले संयोज करो एक जैसा, एकदम बराबरी से, उसके बाद आप कलरिंग में जाओ। तो मैंने क्या किया, पहले वो एलिमेंट्स को बराबर कर लिया। अब क्या करूंगा, थोड़ा डिटेल ऐड करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्री है, एक पेड़ बना रहा हूँ, बुशेस टाइप का, झाड़ी जैसा, एक यहाँ पे, एक इसके पीछे, ठीक ताकि वो हमें दूरी का वो प्रयोजन हमारा क्लियर हो सके, पर्सपेक्टिव बिल्कुल जिसको बोलते हैं। प्रस्पेक्टिव आया, डिस्टेंस आया, बिल्कुल अब क्या करना है आपको, सबसे पहले बेसिक टोन फिल कर दो, फर्स्ट सेट। और कभी भी पेंसिल ऐसे होल्ड करके, लाइक इस तरीके से करके कभी भी नहीं करना, कभी भी होल्ड ऐसे करके करोगे तो आपका लार्ज मासेस, बहुत ज्यादा दायरा घेर सकते हो, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। पेंसिल ऐसे पकड़ना चाहिए, और कोई कारण नहीं है। गहरा करके हल्का हल्का कर देना, गहरा होगा फिर हल्का हल्का हल्का। सेम प्रोसेस ग्राउंड में अप्लाई कर लो। ठीक है, अब क्या करना है, इसके ऊपर अब क्लाउड को मैं बिल्ड कर रहा हूं। जो जो बादल है, जो दूर के बादल होंगे, उसको सबसे पहले, क्योंकि जो आकाश है, जनरली आकाश हम पेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आकाश वैक्यूम है, वो खाली है, जिस जैसे होराइजन है, जो क्षितिज है, बिल्कुल आप उसी क्षितिज पे जाओगे तो वो क्षितिज कहीं और चला जाता है। लाइक वो तो सर्कल है हमारा, पृथ्वी गोल है, तो गोल के बिल्कुल ऊपर होराइजन तो कहाँ बनेगा कोई नहीं जानता, बनेगा ही नहीं, क्षितिज लाइन तो वो भी एक भ्रम है, और स्काई भी भ्रम है। हम हमेशा बादल को पेंट करते हैं, ना कि उस वैक्यूम को। बिल्कुल ठीक है, जैसे लाइफ एक इल्यूजन है। अब ऊपर के बादल को जितना हो सके डार्क करो पहले। एंड जैसे जैसे आप सूर्य के निकट आओगे, आपका प्रयोजन होना चाहिए कि रंग हल्का प्रतीत होना है, ना कि वो बहुत ज्यादा गहरा हो, क्योंकि लाइट के रोशनी के तरफ आप जितना जाओगे, वो उतना ज्यादा आपको प्रभावित करता है, और वो उतना ज्यादा कलर को फेड करना शुरू, हल्का करना शुरू कर देता है। तो जब भी आप बिल्कुल सन के तरफ कलर का फोर्स क्रिएट करो, तो जितना से ज्यादा हो उसको हल्का करो। हल्का मतलब कहने का कि अगर यहाँ पे अल्ट्रा मरीन है, ब्लू है, तो धीरे धीरे वार्म कलर यूज करो, गर्म कलर, जैसे येलो के साथ ऑरेंज, और उसका जो वैल्यू है, जो पावर, उसको लिमिट करते जाओ, कम करता जाओ। लाइक अगर यहाँ का इंटेंसिटी अगर आप रखते हो 100%, तो आप यहाँ का रखो 30%, ताकि वो बिल्कुल फील आए, फील इन द सेंस कि वो महसूस हो कि हाँ वो गर्म हो रहा है, और धीरे बिल्कुल धीरे बिल्कुल जैसे 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 दूर जा रहा है, वो धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है, ठंडा होता जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जब आपको कोई आपके शरीर में चींटी काटता है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो जहां है, वहां पे एक ज्यादा दर्द होता है, और वो धीरे धीरे श्रिंक करके पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है बिल्कुल शरीर में। तो सेम फोर्स यहाँ पे क्रिएट करना, सारा जितने भी है ना, उसको एक जगह पे लाके एक्सट्रूड करना, और फिर धीरे से रिलीज कर देना है, ताकि हमारा जो स्काई का इंपॉर्टेंस है, जो महत्व है, उसे पूरा प्रतीत हो हमारे पेंटिंग में, और चारों साइड उसका इंप्रेशन, इंपैक्ट दिखे। बिल्कुल तो उस तरीके से आप कभी भी टोनल वैल्यू स्टडी करो।
और कभी भी हड़बड़ाना नहीं है कि कैसा होगा नहीं होगा, आप अपना काम करो, पेंटिंग अपना काम कर लेगी। जरूर। एंड देन होल्ड करो ऐसे और फिर ग्रासेस बनाओ यहाँ पे। गहरा करो यहाँ पे आप, फिर धीरे से हल्का लाइट, फिर हल्का लाइट, फिर ये वैनिश हो जाए, धुंधला हो जाएगा पीछे जा करके। बिल्कुल। आपके हाथों में पसीना आती है, उस पसीना को यूज करो वाटर रिफ्लेक्शन के लिए, है ना? हाँ ठीक है। अब इसी को मैं चित्रपट पे ट्रांसफॉर्म करूंगा। बिल्कुल। तो एक तरीके का थंबनेल भी बना, मतलब थंबनेल जो बच्चे इसे एक लेआउट के रूप में भी जानते हैं, लेआउट भी समझ सकते हैं आप, लेआउट थंबनेल। एक बार हल्की से प्रैक्टिस कर लो तो जो फाइनल शीट पे जब हम बनाते हैं तो उसका आउटपुट और अच्छा आता है। सब कुछ प्लान होता है, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं फिर, भटकते नहीं है। हाँ साउंड, टेक्सचर का साउंड आ रहा है अच्छा खासा। ये साउंड आर्चीज में बहुत प्यारा आता है, आर्चीज में तो बड़ा जबरदस्त आता है, इसमें तो घासा है, चित्रपट है ना। हाँ। पर आर्चीज का वो है ना, आर्चीज बड़ी एक्सपेंसिव। आर्चीज पे आपने काम किया होगा? किया होगा आई थिंक, है ना? हाँ, मैं सारा पेपर पे किया। हाँ, तो जब आर्चीज में और चित्रपट में कितना अंतर कह सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आर्चीज का ही एक लाइट वर्जन है, मतलब जो आर्चीज पे नहीं कर सकता वो चित्रपट पे कर ले। एक ही डिफरेंट है, ये 100% कॉटन नहीं है, आर्चीज 100% कॉटन है बस, यही डिफरेंट। और बोहंग जो यूज करते हैं, बोहंग और चित्रपट, बोहंग भी 100% कॉटन है और ये 100% कॉटन नहीं, वहां भी यही डिफरेंस है। जिसका काम चित्रपट पे जितना अच्छा होगा वो बोहंग पे भी अच्छा काम कर लेगा आराम से, क्योंकि बोहंग और चित्रपट का टेक्सचर ऑलमोस्ट पैरेलल है। ठीक है, अब क्या करना है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें स्काई करना है। आप स्प्रे बॉटल यूज कर सकते हो, या फिर आपके पास नहीं होता फ्लैट ब्रश से पेपर वेट कर लो, तो दोनों आपके पास पॉसिबिलिटी है, आपको जैसे आसान हो उस तरीके से आप करना। डेमोंस्ट्रेशन के दौरान आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन सेशन में आ जाएगा मेरे पास, वो आपके बिहाफ पे मैं क्वेश्चन पुट अप कर लूंगा। ठीक है, तो अगर किसी को कुछ भी डेमोंस्ट्रेशन के दौरान बीच में कुछ भी ऐसा लगता है कि यार ये इससे रिलेटेड मुझे कोई क्वेश्चन पूछना था, तो आप क्वेश्चन सेशन में डाल दें। तो सबसे पहले आपको लेना है पीला कलर, मींस इंडियन येलो या फिर गैम्बोजियो। ओके। और अब नारंगी रंग लगाएं, मीन्स ऑरेंज या फिर परमानेंट ऑरेंज आपको।
थोड़ा सा लाल रंग या फिर बैगनी लाइक क्रिम्जन और पर्पल जो भी आपको पसंद हो। एक बच्चे ने पूछा है कि सर रेगुलर प्रैक्टिस के लिए मान के चलो चित्रपट पेपर हमें कॉस्टली पड़ता है, तो क्या हम कार्ट ड्राइव पे कर सकते हैं डेली? हाँ, आपके पास जो पेपर है आप उस पे बनाओ, इवन चित्र कार्ट्रिज भी छोड़ो, उससे भी सस्ता पेपर, उस पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। प्रैक्टिस के लिए आप कुछ भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंड करता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो एक्सपेंसिव पे जाओ, नहीं जाते हो तो जो है उसी पे बनाओ, कला तो उसी का नाम है। बिल्कुल बस आपका काम रिग्रेस होना चाहिए, पर फर्स्ट प्रेफरेंस तो यही है। अभी क्या करना है, ब्लू अल्ट्रामरीन और या फिर आप क्या बोलते हैं उसको, कोबाल्ट भी चलेगा अल्ट्रामरीन भी चलेगा जो है आपके पास वो, बस पर्शियन मत लेना वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है बस। ओके ये भी हमने कौन सा लिया, कोबाल्ट लिया है अल्ट्रामरीन? अच्छा कोबाल्ट मिक्स अल्ट्रामरीन है, ओके मेरा पैलेट क्लीन नहीं होता है तो उसमें कुछ ना कुछ हमेशा अपना रंग अल्ट्रामरीन, दिखाई देता है वो। हाँ अभी आया अल्ट्रामरीन। हाँ अब देख रहे हैं कितना मतलब फ्रीली ट्रीट कर रहे हैं, लगाने से पहले सोच नहीं रहे हैं, ज्यादा डर नहीं रहे हैं, नहीं डरना, डर के डरना डरेंगे नहीं जी, है बिल्कुल ना। पियो आप अच्छा सिर्फ कलर थ्रो करो यहाँ पे, आपका पेपर आपका ब्रश हाँ बिल्कुल जितना बर्बाद कर सकते हो करो स्टार्टिंग में, शुरुआत में करो। क्योंकि बर्बादी के बाद ही आबादी होता है, आबाद होता है जरूर कोई चीज। जरूर अब क्या करना है, ब्लू के साथ उसका जो घनत्व है उसको बढ़ाओ, डेंसिटी। बिल्कुल अब उसमें आप थोड़ा सा लाल रंग मिला लें, एक बच्चे ने पूछा है कि सर व्हाइट कलर थोड़ी यूज में लें कभी वाटर कलर में? जब आपको मन करे तभी यूज लें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो थोड़ा बचे तो अच्छी बात है, अगर आपको मन है शुरू से तो आप यूज कर सकते हो, कर सकते हैं उसमें कोई वो कुछ वो गलत सिन वो पाप नहीं है कि व्हाइट यूज कर दिया तो वाटर कलर नहीं कहलाएगा। हाँ तो आप अगर पसंद है तो आप यूज करिए खुल के, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये सब करने से पहले कोशिश हमें ये करनी है कि वो ड्राई होने से पहले ये सब कुछ किया जाए। हाँ जितना ज्यादा हो कभी भी कोई भी वाटर कलर, ऐसा मेरा मानना है कि जितना गीले पे काम कर सकते हो उतना ज्यादा से ज्यादा कर लो, जितना ज्यादा, बिल्कुल अगर आप पूरा पेंटिंग खत्म कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 70% 70% कम से कम, उससे आपकी पेंटिंग का सॉफ्टनेस हमेशा मेंटेन रहेगा। अल्ट्रामरीन मैं भी क्या कर रहा हूँ, क्लाउड्स को बाहर निकाल रहा हूँ, एक एक बादल को, बस कलर का डेंसिटी बढ़ा करके। बिल्कुल
कभी भी कोई भी चीज मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, उसको ब्रेक करना है, एक तरीके से सारा कलर नहीं आना चाहिए, थोड़ा ब्रेकडाउन, मतलब बराबरी नहीं दिखाना है, उतार चढ़ाव दिखना चाहिए। नारंगी रंग के साथ आप येलो होकर मीन्स मिट्टी कलर जो होता है आप उसको ले ले पहले। अब उसके नीचे आप अल्ट्रा मरीन पीला रंग यहाँ पे मैं घर बनाऊंगा इसलिए थोड़ा व्हाइट बचा रहा हूं, बस हल्का सा पेपर व्हाइट। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर आपका फेवरेट वॉटर कलर आर्टिस्ट कौन है मिलिन सर के बाद। ओके मिलिन सर के बाद एंड्रू व्हाइट, और कहाँ के अमेरिकन आर्टिस्ट हैं? अमेरिकन वाटर कलरिस्ट हैं अमेरिकन वॉटर कलर। वो, लिविड अभी नहीं है, 19 से डेथ कर चुके हैं वो 2000 कुछ में। ओके 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 इंडियन में इंडियन में मिलिन सर के बाद, मिलिन सर के बाद प्रफुल्ल सर, प्रफुल्ल सर। हाँ नो वैसे डाउट। बहुत सारे हैं, परवीन सर भी मेरे को पसंद है, परवीन कर्मकार। परवीन कामकर सर भी आए थे लाइव में मेरे। हाँ हाँ, वो बेसिकली मैं रांची का ही हूँ तो मैं हाँ उनके पास भी 2 साल लर्न किया है। कभी भी हड़बड़ाना नहीं है कि घाई घाई में नहीं करना है, पेपर वेट कर लो थोड़ा सा, यहाँ पे गीला करना है बस। कोबाल्ट ब्लू और या फिर सेरुलियन ब्लू जो एक बच्चे का पसंद है। क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि पेपर ड्राई हो गया और उस पोर्शन में मुझे काम करना था, हाँ तो क्या उसे तो दोबारा ऐसे स्प्रे से गीला करके दोबारा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत हाँ थोड़ी हाँ है? कर हाँ नहीं, कोई दिक्कत, ब्रश से भी वेट कर सकते हो अगर आपके पास कोई साफ पानी रखा एक तरफ और एक तरफ, ये साफ ब्रश से वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। येलो ओकर सर मैं जब भी काम ऑरेंज करता हूँ तो कलर डल पड़ने लग जाते हैं, एक बच्चे का क्वेश्चन है। का पैलेट को थोड़ा साफ रखा करो, अगर स्टूडेंट हो तो प्रॉब्लम वही होगा। या और कुछ कुछ कलर को मिक्स करने से संयोग एक साथ मिले तो उससे बचाव मिलने से, जैसे कि ब्लू के साथ येलो, वो अगर स्काई में करोगे तो ग्रीन हो जाता है, हरा बन जाता है, उन सब बिल्कुल चीजों से थोड़ा सा बचो। यहाँ पे मैं पेड़ बनाऊंगा, उसका रिफ्लेक्शन मैं पहले ही बना ले रहा हूँ क्योंकि मेरे माइंड में भी ये पिक्चर क्लियर है बिल्कुल। इसलिए। एक बच्चे का क्वेश्चन है, आप अगर कोई रेफरेंस देख के बना रहे हैं तो क्या आप बता सकते हैं, दिखा सकते हैं? मेरे यहाँ तो कोई रेफरेंस नहीं है, हाँ वही ये पेंटिंग प्रेरणा, ये हजारों बार से मैं ज्यादा बना चुका वो हूँ, मेरे क्लासेस को वगैरह ली, हाँ रेफरेंस वही है ना, क्लासेस वगैरह ली है तो वो याद रहता है कभी हाँ के। हाँ इसके लिए।
नहीं, स्काई से रिलेटेड मैं रेफरेंस पिक्चर यूज ही नहीं करता हूँ, ना के बराबर करता हूँ। प्लेन एयर ज्यादा प्रिफर करता हूँ मैं। ओके तो वहां पे मिल गया उसको, आप जो मिला कॉम्पोजिशन उसी को तोड़ मरोड़ के 50 पेंटिंग तो बन ही जाएगा एक कॉम्पोजिशन का। बनी तो थोड़ा इधर थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं हो गया। जाएगा। थोड़ा येलो होकर मेरा पेपर अभी भी गीला है। ठीक है, कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि जैसे चित्रपट है तो उसके अंदर हम जैसे काम कर रहे हैं, किसी भी अच्छी वॉटर कलर शीट में हम काम कर रहे हैं, तो कितना जीएसएम मिनिमम हमें लेना चाहिए? अगर वाटर कलर करें तो 270 ठीक है, 200 से ऊपर कम से कम। 200 से ऊपर? ओके, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो गए हो तो फिर 80 GSM भी बहुत है। बहुत है। हाँ सब आपके स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। पोर्ट्रेट के लिए कौन सी शीट अच्छी है? एक बच्चे का क्वेश्चन। पोर्ट्रेट के लिए भी 270 चित्रपट अच्छा है पोर्ट्रेट के लिए, नो डाउट। उसमें आप स्किन के टेक्सचर्स अच्छे से निकाल सकते हो निकाल सकते। और इजीली वो आ भी जाता आसानी से, क्योंकि उसके ग्रेन्स थोड़ा सा उस तरफ जाता है इसके वजह से। नो डाउट वो हेल्प करते हैं उसमें। थोड़ा सा पीला कलर, बड़ा खूबसूरत लग रहा है सब कुछ, बड़ा रेपिडली हो रहा है, फास्ट हो रहा है। हाँ। अभी क्या करना है, ब्लू कलर। थोड़ा सा ऑरेंज, एंड देन उसका अंदर के जर्क को थोड़ा डार्क कर दो, गहरा कर दो। थोड़ा स्क्रैच कर दो पीछे के ब्रश से, जैसे भी हो। वॉटर कलर के साथ में इस तरीके से प्ले करने के लिए हमें खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा। जितने ज्यादा आउटडोर आप करेंगे उतना ज्यादा ही कर पाएंगे। अभी देखने में बड़ा इजी लग रहा है कि सब कुछ बड़ा स्टेप बाय स्टेप हुआ।
बड़ा इजीली हो गया। वो वक्त के साथ आता है, अनुभव के साथ में आता है ये सब चीज। अरे सही बात, ये थोड़ा वाइट कलर है हल्का सा। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि वीडियो देख लिया, अब चलो हम भी ऐसा करेंगे, पर जब हम ऐसा करने जाते हैं ऐसा आउटपुट नहीं आता है। कुछ और हो जाता तो है। नहीं हम भी वही फिर करते थे ना, मिले तो सर का फिर वो हो पेंटिंग जाते हैं वगैरह बना होपलेस, लेते फिर वो हैं। हो जाते हैं होपलेस थोड़ा सा उनको। हाँ, अब इसके लिए 5 वोटर कलर करने के बाद ये थोड़ी आएगा, कम से कम 500 करो, 50 तो करो। कम से कम 100। हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ ना, कम से कम 100 तो करो। 5 वोटर कलर में हार मान जाओगे तो कैसे होगा। वही ना, वाटर कलर भी सोच रहा कहाँ फंस गया मैं। वोटर कलर बहुत टफ मीडियम है, सबसे टफेस्ट मीडियम है वोटर कलर। सबसे टफ बस इसमें थोड़ा सा ना अंडरस्टैंडिंग का खेल है, बस थोड़ा सा। अंडरस्टैंडिंग का खेल है बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे पक्ष में नहीं होता है, हमें नहीं पता होता है कि इसका क्या क्या होगा। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि हम जब कलर छोड़ते हैं तो हम अंदाजा लगा सकते हैं ये होगा। ये होगा, ये जीवन के जैसा है, कभी भी कुछ भी हाँ रुख ले लेता कभी भी है। कुछ भी रुक ले लेते। खूबसूरत। यहाँ पे मैं कुछ फ्लावर्स भी बना दूंगा, फूल। फूल नहीं बनना है, फूल बनाना है। दुर्भाग्य ये रहा ना कि जितने भी फाइन आर्ट्स कॉलेज हैं इनमें कभी भी कोई फैकल्टी या प्रोफेसर वाटर कलर वाला तो मैंने तो नहीं देखा। मैंने 6 साल वो मैंने भी आज पढ़ा। हाँ नहीं, वो रीजन है, वो रीजन है। हाँ काम करने वाले पढ़ाना नहीं चाहते हैं, और जो करते नहीं वो पढ़ाने चले जाते हैं। एग्जैक्टली यही हो रहा है, हो यही रहा है, यही तो हो रहा है, सब वही तो थ्योरी दिक्कत के, है। सब थ्योरी के बिहा पे हो रहा है, वही है ना। मेरा कभी मानना है ना, एक्चुअली प्रोग्रेस। हो क्या रहा है कि रोटी के बारे में वो बता, एक तो चलो मैं एक सीधी सी बात बताऊं, किसी एक रोटी का एक उदाहरण ले लो, हाँ तो बोलिए ना। रोटी जो बनाएगा, जो बनाता है, आटा गूंदना जानता है, बेलना जानता है, सेकना जानता है, वो शायद ज्यादा अनुभवी है, उसके बजाय जो ये बताएगा कि पहले आधा किलो आटा लो, उसमें चुटकी भर नमक डालो, फिर उसमें पानी के साथ में ऐसे गूंदो है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस ढाबे वाले को बुला ले तो ज्यादा बेहतर, वो तुरंत सिखाएगा। बस 1 मिनट भैया, बस 1 मिनट। हाँ अब स्टार्ट। हाँ तो वही वाली बात है, तो टीचर जितने भी हैं, गवर्नमेंट टीचर्स जितने भी हैं, उनके साथ में यही है। उन्हें नेतागिरी तो बहुत पता है कि ये है वो है वो है, बट जब उन्हें बोर्ड पे लाते हैं, जब उन्हें पेपर पे लाते हैं तो टाई टाई फिश। नेटवर्क मेरा इशू कर रहा है या मेरा तो ठीक है आई थिंक। एक मिनट रुको, कमेंट सेक्शन में बताओ प्लीज फास्ट, मेरा नेटवर्क ठीक है, जो हल्का सा बता दो। हाँ मेरा नेटवर्क ठीक है। एक बार अभी दोबारा उन्हें रिक्वेस्ट भेजते हैं, दीपक को मैं दोबारा रिक्वेस्ट भेजता हूँ, 1 मिनट बने रहना। मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर दी। यस सर, जय लंकेश सर, जय लंकेश सोनक। आई थिंक नेटवर्क का इशू हो गया था ना। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, मेरे को वही ओके लगा, मैंने बोला 1 मिनट आप नहीं नहीं गायब नहीं हो आपका नेटवर्क खुद से ही चला गया था वैसे। हाँ गए। मेरा नेटवर्क चला गया था। आपका चला गया था, आप लोग आउट हो गए थे, मतलब आप निकल गए थे यहाँ से। कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहा हूँ बच्चों से कि किसका नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, मेरा ठीक आ रहा है। जय लंकेश बेटा लक्ष्मी, जय लंकेश। जय लंकेश इंसेंस, अच्छा काम लग रहा है देख के। हाँ नो डाउट, फिर चले गए। नेटवर्क थोड़ा सा साथ नहीं देता। देखो अच्छे कामों में ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, अच्छे कामों में विपदाएं आती हैं,
तो ये अच्छा काम है जिसमें विविधता आ रही है, ठीक है। तो आना जाना लगा रहेगा, आप लोग बने रहो। आ रही आवाज? हाँ आ अभी रही आ है? रही, हाँ अभी आ रही, हाँ, पता नहीं क्या हुआ था, नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या करना है? अभी अल्ट्रा मरीन के साथ इसके नीचे इसका रिफ्लेक्शन क्रिएट करना है। ओके ओके ओके, हड़बड़ाना नहीं है, धीरे धीरे। कुछ फूल बना रहे हैं हम लोग, थोड़े बिल्कुल से ज्यादा नहीं, जो डिस्टर्ब ना करे। तो बच्चों को बोल रहा था अच्छे कामों में विविधाएं आती रहती हैं, तो ये नेटवर्क थोड़ा सा हाँ, विविधा क्रिएट कर रहा है ये थोड़ा सा। अभी नहीं हो रहा है ना? अभी दिख रहा है ना? अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी परफेक्ट है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे ड्राई ब्रशिंग, सूखा बिल्कुल ब्रश लगाना है बस आपको। बस एक खत्म हो ही गया है, हाँ, फिर ऑलमोस्ट आपको डन है, क्वेश्चंस है। खूबसूरत हाँ, खूबसूरत, फिर आपको जो क्वेश्चंस है आप पूछो। जरूर जरूर जरूर। बस इसे एक व्हाइट फ्रेम की जरूरत है, एक अच्छा सा प्यारा सा व्हाइट फ्रेम चाहिए बस इसे। व्हाइट फ्रेम। हाँ, एक बच्चा क्वेश्चन है सर, जब भी मैं वोटर कलर करता हूँ तो पेपर डैमेज होने लगता है। वो बार बार ज्यादा से ज्यादा आप लेयर करते होंगे ना, तभी होता है वो। घसना नहीं है कभी भी। एक है उसका क्वेश्चन है कि हाउ टू फ्रेंडशिप विद कलर्स। उसके साथ आप दोस्ती शुरू कर दो, आगे एक कदम आप हाँ बढ़ाओ, एक कदम वो बढ़ाएगा। हाँ और रगड़ के प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा आप कर सकते हो। एक एक बच्चे क्वेश्चन के सर, टेल मी अबाउट कंपोजिशन, मतलब कंपोजिशन के कॉम्पोजिशन? बारे में। हाँ, बोलता हूँ ना। सी, आपको संयोजी का करना है तो आप क्या करो, पेपर को अच्छे से डिवीजन करो। स्काई कितना लेना है, लैंड कितना लेना है। जैसे अर्थ में 70-30 का रेशियो लागू होता है, आप अपने पेंटिंग में भी 70-30 का रेशियो लागू करो। आप एक अच्छा कॉम्पोजिशन बना लोगे, अगर आप बिगिनर हो तो अच्छे से बहुत अच्छा बना लोगे। बिल्कुल नंबर ऑफ ग्रास कैसे निकालते हैं सर, ब्रश को मतलब डैमेज कर लो, थोड़ दो उसका मुंह, जो थुथना होता है ना उसको कूंच दो और फिर बनाओ, बन जाएगा। कुछ दो। बहुत बढ़िया, यही तो वर्ड, ऐसे वर्ड ही तो चाहिए। हाँ, पढ़ाते टाइम बालकों को अगर ऐसे वर्ड मिल जाए, अब ये कूचना शब्द भूल नहीं भूलेंगे मैं बता रहा हूं, अगर उसको डिस्ट्रॉय कर दो डैमेज कर दो ये फिर भी भूल जाए, ये कूचना शब्द नहीं जाएगा। भूलेंगे लोड़ी, घर में लोढ़ा वगैरह मार, वही एक बार काम हो जाएगा, दोबारा कभी नहीं, वो कभी नहीं ज्वाइंट होगा। मीन सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटे, दोनों काम हो जाएगा। और उससे आप बिल्कुल वाटर कलर कर लोगे फिर। जरूरी है। थोड़ा सा पानी लेना है और छीट देना है, हाथ में लेना है पानी और छीट दो बस, कहीं हल्का फुल्का, अच्छा दिखेगा। और थोड़े कहीं कहीं बबल्स बन जाएंगे, टेक्सचर बन जाएंगे। बहुत से क्वेश्चन है, अब पर्सनली थोड़ी सी देर में आप, मैं पर्सनली वीडियो कॉल पे लेंगे सभी को, फिर पूछेंगे। हाँ हाँ, अब हो गया ये कंप्लीट, बस 2 मिनट सिग्नेचर मारना है। बस फिर कंप्लीट। सिग्नेचर, 1 सेकेंड एक रुको। बच्चे ही पूछ रहे हैं कि सर टेल मी अबाउट योर स्टडीज। मेरा स्टडीज, हाँ अच्छा रुको, बोलता हूँ इसको कंप्लीट करके। स्टडीज लाइक, मैं बचपन से पेंटिंग कर रहा हूँ, जब मैं 5 साल का था। उससे पहले से भी करता था, बट उसके बाद आर्ट स्कूल जाने लगा था मैं,
पर्सनली उनसे मैं ट्रेनिंग लेता था छोटा से ही। उसके बाद मैंने उनके पास 10 साल ट्रेनिंग लिया है, सिर्फ पेस्टल पेंसिल चारकोल ऑल रॉ मीडियम्स जो होते हैं ना, सिर्फ मैंने उस पर काम किया है अराउंड 10 ईयर्स हर सब्जेक्ट पे। ओके मैंने स्काई को चुना नहीं है, वो खुद में खुद खुद से ही हो गया, पब्लिक ने हाँ कंसिडर किया। हो ही जाता है बिल्कुल। हाँ भाई, तो मैंने वैसा कुछ भी नहीं, तो मैंने सारे एलिमेंट्स पे काम किया है। और फिर उसके बाद 2 साल परवीन सर के पास रहा, उनके पास पूरा वाटर कलर। फिर मिलिन सर के पास 5 ईयर्स, 1 साल में MIT कॉलेज में था। पहले आपका सौभाग्य रहा कि आप वाटर कलर के दिग्गजों के साथ में रहे, इन्हें आपने देखा है, करते हुए देखा है, इनके साथ में वाटर कलर किया है, तो एक अलग ही बात है। हाँ, फिर प्रफुल्ल सर के साथ भी काम किया है, राजेश सर, विजय बिस्वाल सर, जितने भी है ना टॉप क्लास, सब तो मुंबई में है ना, सबके साथ मैंने काम हाँ किया। बिल्कुल। और बस सीख रहा हूँ अभी भी, और क्या, कुछ नहीं आता अभी भी देखा जाए तो। थोड़ा सा व्हाइट कलर लेना है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, एक दो डॉट्स ऐड कर देना है कहीं कहीं। मिनिमम, जितना मिनिमम हो सके। हाँ, बिल्कुल। वो क्या करेगा, रिफ्लेक्शन का काम करेगा। वो चमकता है ना, देखना कभी भी बॉल जैसा पानी में जब सूरज एकदम चमकता है, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो साइनिंग जिसको बोलते, साइनिंग बॉल्स। डन, डन, खूबसूरत। थैंक यू। और ऐसा भी नहीं है कि कलर फेड हुआ है, जो था वैसा का वैसा ही है, पता है। अभी भी स्काई वगैरह साइड का तो सूख भी गया होगा, लेकिन अभी भी वो हाँ, इम्पैक्ट सूख गया, सब कुछ नहीं पूरा ट्रीटमेंट सूख पे। गया था। हाँ, सब कुछ ट्रीटमेंट पे कि आप किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। एकदम बराबर है। चलिए, अब थोड़ी सी बातचीत बस कर लें बच्चों की क्वेश्चन आंसर्स का, है ना। हाँ, पक्का पक्का, मैं स्विच करता हूँ कैमरा, फिर स्विच चलूँ करके ना। आप, है ना। हाँ, एक बार। एक सेकंड रुक जाओ, हाँ, एक सेकंड। सो प्लीज रिक्वेस्ट सेंड करें, जिस किसी को भी कुछ भी पूछना है प्लीज आए, डायरेक्ट बात करें, मुझे मोहरा ना बनाए, डायरेक्ट बात करें। क्योंकि क्वेश्चन बहुत है, अभी बच्चे जब आने लगेंगे एक साथ, तो रात हाँ, एक ये एक करके जितने कभी क्वेश्चंस हैं लाइव आप सेशंस, पूछो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 9 बजे स्टार्ट किया, 12-12 बजे तक चल गया, मतलब बहुत, हाँ, दो नहीं, ढाई ढाई आप घंटे भी चला जाता है। जितने क्वेश्चंस आप पूछो। बिल्कुल। चलिए, रिक्वेस्ट सेंड करना शुरू करें आप, जितने भी लोग हैं। तब तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। थैंक थैंक यू डेबी मैम, सी इज फ्रॉम ज्वाइन फ्रॉम यूएसए। थैंक यू डेबी मैम। हाय डेबीज डॉटर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। अच्छी कम ब्रशेस सजेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं कि कम दाम में अच्छी ब्रश कौन सी है। दाम में सबसे अच्छी ब्रश आप ले सकते हो, कैमल के अच्छे हैं कुछ कुछ, और चाइनीज ब्रशेस जो मैं यूज कर रहा था ना, वो बहुत अच्छा है, वो 300 रुपए का ही है, बट वर्केबल है, आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो, और अच्छा लॉन्ग लास्टिंग है, और वो बाल भी नहीं गिरता है, जो अच्छा हाँ, है, उसका निकल जाता है। हाँ बिल्कुल। नहीं गिरता है, वो चाइनीज का नहीं निकलता, जो रैप एंड रूफ जो है ना, उनका जो भी उन्होंने नया नया बनाया है, मैंने उनको स्पेशली कंप्लेन किया था कि आप ओके जो भी बनाना, आप उसमें वो हेयर का देख लेना कि वो गिरे नहीं, तो उन्होंने उस ओके, चीज को अच्छे से ध्यान दिया है, तो हेयर फॉल बहुत कम होता है। बहुत कम होता है ना। बहुत अच्छा है वो। हाय 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 हाय, हेलो एवरीवन, हेलो, थैंक यू, यू ऑल आर देयर, आप सब यहाँ पे हो, धन्यवाद। हेलो सर। हेलो। सर, मैं अभी क्लास 10th में हूँ और मैं हाँ अभी थोड़ा सा ड्राइंग करता हूँ। हाँ ओके। और सर, कुंद्रा सर को मैं अपने लगभग हर ड्राइंग में टैग करता हूँ, देखते भी होंगे। हाँ हाँ जरूर हाँ जरूर जरूर देखता हूँ। और मैं अभी दिखा रहा हूँ आर्टवर्क अपना।
थैंक यू वसु, थैंक यू। दिखा बाब सर ये कैसे स्विच होगा कैमरा वहां पे देखना ना आपके स्क्रीन के ऊपर एक होगा ऐसे ऐसे दो गोल गोल ऐसे बना हुआ उसको टच कर दो उधर कैमरा चला जाएगा नहीं तो डबल टैप कर दो स्क्रीन पे दो बार टैप कर दो डबल टैप हो जाएगा उससे भी ये तो हो ही नहीं यार दो बार करो ऐसे टक 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 का अपनी स्क्रीन पे अपनी स्क्रीन पे थैंक यू रैप एंड रूफ चलिए नहीं हो रहा नहीं हो रहा अरे वो ऐसा वाला लोगो है ना ऐसे वाला ऐसे वाले हैं दो दो एरो हैं चलो ठीक है अरे वाह बहुत अच्छा काम हुआ ये तो ये कौन है भुवन बम हाँ हाँ बस थोड़ा सा मोटा हो गया भुवन बम है ना हल्का सा अच्छा बना वेरी गुड और ये झुकेगा नहीं झुकेगा नहीं यार पुष्पा लगा ही मेरे को पुष्पा ही है सर आप इस ड्राइंग पर कमेंट भी किए थे आप अच्छा 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 हुआ सर और ये रिपब्लिक डे को बनाया था हाँ ये मैंने देखा है मेरे मैंने ये देखा हुआ है मैंने देखा है ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और सर मैं अभी ये बनाया हूँ कौन सा बनाया दिखाओ दिखाओ दिखा रहे जितने भी लोग देख रहे हैं जो मेरे फॉलोवर्स हैं प्लीज आप जाके दीपक शर्मा जी का जो इनका जो पेज है स्काई स्कीपर्स वाला उन पे जा सकते हैं फॉलो कर सकते हैं आपको कुछ भी पूछना है आप डायरेक्ट मैसेज करें उनके पास जब भी समय होगा वो रिप्लाई जरूर करेंगे ठीक है क्या होता है कि जब फॉलोवर ज्यादा हो जाते हैं ना तो रिप्लाई कर पाना बड़ा टफ हो जाता है अभी वालों का रिप्लाई मतलब लेयर जमी हुई होती है मैसेजेस की लेयर होती है देख पाना बड़ा टफ हो जाता है ये अच्छा हुआ काम आप थोड़ा ड्राइंग पे ध्यान दो आपका स्किल बहुत अच्छा है स्किल बहुत अच्छा है हाँ सर ठीक है आप प्रैक्टिस करो आप प्रैक्टिस करो वाटर आप कलर किधर से हो स्टार्ट कर सकता हूँ स्टार्ट सिंपल सा है पेपर खरीदो बर्बादी करो 50 पेपर उसके बाद 51 वाँ जब आएगा तो मेरे को याद करना आपका पेंटिंग बना हुआ होगा तो सर जैसे और महंगा पेपर मत खरीदो और महंगा पेपर भी मत खरीदो चीप वन खरीदो सस्ता से सस्ता जितना लोकल पेपर आपको मिल सकता है ना जो आपके बजट में हो जरूरी नहीं कि चित्रपट पे ही काम हो सकता है आप किसी भी पेपर पे कर सकते हो मैंने 80 जीएसएम पे भी काम किया बहुत सालों तक जब मैं आप ही के क्लास में था लाइक मैं 10th में था 9th में था तो मैं तो उस समय चित्रपट को जानता भी नहीं था तो आप उस नॉर्मल पेपर पे जितना ज्यादा से ज्यादा काम करो और स्केचिंग करो तो सर मैं अभी 10th में हूं तो 11th में मैं क्या ले सकता हूं क्योंकि मुझे बीएससी करना है सर जोर से बोलना तो अभी मैं 11th में हूं ऐसा कुछ बोला अभी है ना 11th में हूं अभी 10th में हूं 11th में मैं क्या ले सकता हूं क्योंकि मुझे बीएससी करना है BFA के लिए कुछ भी नहीं चाहिए आपको आपको बस 45% मार्क्स गेन करना सिर्फ 45% तो आप आर्ट्स मैंने आर्ट्स लिया था और मैं कॉलेज जानबूझ के लिया था कि मेरे को जाना ना पड़े कॉलेज मैं सिर्फ अटेंडेंस के लिए जाता था और मैं अपने स्टूडियो में सिर्फ काम ही करता था मास्टर्स के साथ ताकि मैं जिस हाँ बोलिए सर बोलिए आप बोलो 11th के अंदर आगे जाके फाइन आर्ट्स ही करना है तो बेनिफिट रहेगा कि 11th के अंदर ही ड्राइंग सब्जेक्ट ले लेना ड्राइंग और उसके साथ में हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स जो भी कोई एक दो सब्जेक्ट आपको मिलता है ठीक है वही मेरा था मेरा भी वही था तो दो सब्जेक्ट ले लेना एक अच्छी परसेंटेज बन जाए 60 बन जाए 70 बन जाए 60-65 बना लेना क्योंकि आजकल जो एडमिशन का जो है ना बहुत कुछ बिगड़ चुका है पहले वाली बात है ना एडमिशन में परसेंटेज भी मांगने लगे थोड़ा सा उस चीज को भी देखते हैं मेरिट के अंदर थोड़ा सा इस चीज को भी देख लेते हैं सही है ठीक है ज्यादा मत सोचो अभी 11th 12th है काम करो दबा के करना है तो जीवन में टॉप करो एग्जाम में टॉप मत करो बिल्कुल बिल्कुल जीवन बहुत लंबा है बिल्कुल चलो है ना अभिनव गॉड ब्लेस यू है ना ओके थैंक यू हाय हाय
हमने काफी सारे वीडियोस देखे आपके डेमोंस्ट्रेशन के दीपक शर्मा, एंड आई थिंक आई हैड आल्सो रीच्ड आउट टू यू एंड कृष्णन, मैंने आपको रिसेंटली आई मीन विद दिस वीडियो फर्स्ट लाइक स्टार्टेड फॉलोइंग यू एंड आई रियली लाइक द एफर्ट्स दैट वी आर पुटिंग, जो हम लोग काम करने मतलब इनक्रेज कर रहे हैं वो काफी अच्छा लगता है. मेरी कुछ पेंटिंग्स हैं एंड आई हैव फ्यू ऑब्जर्वेशन, मतलब मैंने कुछ देख नेटवर्क का इशू है थोड़ा आई थिंक. एक बच्चे का क्वेश्चन है, सर मैं उदयपुर से हूँ तो मुझे क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कैंप में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्या करना होता है? क्या नाम है इसका? वीरेंद्र सालवी. लास्ट टाइम में मैंने इसी चीज से रिगार्डिंग वीडियो डाला था लास्ट टाइम में, अगर लास्ट वाला आप वीडियो देखें तो आपको पता चल जाएगा. हाँ, किसी ने पूछा है मेरे से ब्रश वर्क के लिए ना, ड्राई ब्रशिंग, आप चाइनीज ब्रश यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा है वो. और उसका यूज क्या है कि लाइक आप थोड़ा थिक पेंट लो, चिपचिपा कलर लो, और ताकि ब्रश में रहे, और फिर उसको आप सीधा जब आपका पेपर पूरा सूख जाए ना, एकदम सपाट हो, एकदम जस्ट लो और खींच दो वहां पे, आपका एक बार में ड्राई ब्रशिंग हो जाएगा. प्रणाम सर. प्रणाम प्रणाम. कैसे हैं सर? मस्त, बढ़िया, बेहतरीन. आप कैसे हो? ठीक है सर. नमस्कार शालिनी मैम. नमस्कार. और काम वाम कैसा चल रहा है? चल रहा सर. ये चल रहा है ना, प्रैक्टिस करो आप. ये अभी कर रहे थे सर, ये अभी इसका बना रहा था. ये बहुत अच्छा हुआ है. ये सर जैसे मेरा थोड़ा सूखा सूखा ज्यादा काम हो जा रहा है, जैसे आप बताएं कि वाटर, आपको तो मैंने बोला था ना वो वेट ऑन वेट करो, वो बहुत अच्छा होगा आपका काम. सिर्फ वो ध्यान रखो ना कि वो येलो जो यूज किया है ना, वो येलो बहुत अच्छा है, बट उसमें थोड़ा येलो होकर ऐड कर लो आप. जी सर. अच्छा हो जा रहा है, स्काई अच्छा जा रहा है. बस शार्पनेस को थोड़ा इग्नोर, शार्पनेस को भी इग्नोर करो हल्का सा, शार्पनेस नहीं आनी चाहिए वाटर में. इसको भी इग्नोर करो थोड़ा सा, अभी बन रहा है सर थोड़ा लूज. ये सर ये स्केच कर रहा है, ये बहुत अच्छा हुआ है. गुड, बहुत अच्छा हुआ ये. अरे वाह, मेढक किसको देख रहा है भाई? ये दोनों को देख रहा है ऐसे. अरे ये वाला खूबसूरत है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कलर स्कीम, बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा बनाया है ना. हाँ, कलर स्कीम बहुत अच्छा हुआ है, पानी का रिफ्लेक्शन भी सही आ गया. नाइस. दीपक सर का सर, आपका सर बहुत बहुत सारे बार कॉपी किए हैं सर. अरे नहीं, अच्छा करो, अच्छा आप करो करो, कोई दिक्कत नहीं. सीखने के लिए कोई भी कलाकार अपने जीवन की कला यात्रा के अंदर शुरुआती दौर में यही करता है. हमने भी किया. वो बुरी बात नहीं है. किसी ने जितना कॉपी नहीं किया उससे ज्यादा मैंने किया चाइल्डहुड में तो. मैंने किसी को नहीं छोड़ा है कॉपी करने के मामले में. और बाकी सब बढ़िया. बट अब कॉपी कर रहे हो ना तो करते जाओ, और थोड़ा सा बट अपना भी करते रहो उसके साथ थोड़ा सा. लाइक अगर आप 100% कॉपी कर रहे हो ना तो करो 100%, बट उसमें अपना 20% ऐड करो, थोड़ा सा धीरे बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ. वो क्या होगा ना, धीरे धीरे आपका अंदर का जो इंटीग्रिटी है वो आपके पेंटिंग में झलकने लगेगा. हु आर यू, आप कौन हो, वो आपका पेंटिंग में आपको रिफ्लेक्ट कर देगा. बस थोड़ा थोड़ा, एक एक स्टेप लो. एक बार में तो कोई नहीं 10 स्टेप ले सकता है. एक एक स्टेप लो, आपका काम में आप खुद रिफ्लेक्ट होने लगोगे. सर जैसे मैं कॉपी करना कोई बुरी बात है, सब करते हैं. और स्केचिंग ज्यादा करो, मैं ये प्रिफरेंस सबको बोलता हूँ, स्केचिंग ज्यादा से ज्यादा करो. उमेश कुछ पूछ रहे थे. हाँ पूछो. जैसे सर आपका, जैसे आपका वर्क में हम देखते ना, मतलब सॉफ्टनेस ज्यादा रहता है मेरा. मैं हमेशा बहुत बहुत ट्राई किए हैं, मतलब करियर है अभी भी. हाँ, थोड़ा एकदम आप करिए दीजिए, छोड़ना नहीं है. ना ऐसा छोड़ना ही नहीं है. उसको एकदम पकड़ लो आप. वो अच्छा हुआ है काम. ये रांची है ना, वहाँ का वो लेक है, वो दसम फॉल है वो. जी सर. अरे वाह, ये मस्त हुआ है. ये आप ही बोले थे सर बनाने. हाँ ये बहुत मस्त हुआ है काम. गुड क्लास. Thank you, sir.
अरे वाह, आप ही का वर्क है सर। मेरा पेंट नहीं, मेरे को याद आ रहा है कि मैंने कैसे बनाया था। ये बीच में थोड़ा सा जो ब्लू कलर है ना, ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, बाकी इधर वाला सब कुछ इम्पेक्ट बहुत अच्छा आया था। वो थोड़ा के साथ चेंज करिए थोड़ा, हाँ वो मर्ज ना, थोड़ा सा सेपरेशन हो गया, वो पूरा ब्लेंड हो जाता है ना, तो मजा आ जाता है। हाँ मजा है, बट काम उम्दा हुआ है। ये स्केच करके रखते हैं सर। हाँ, इसका पर्सपेक्टिव देख लेना, ये एंगल झुका है इधर का, ये एंगल ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा सर, ऊपर का ये वो ऐसे कर दिया। हाँ थोड़ा ऊपर, ये इसीलिए थोड़ा दिक्कत। तो वो जो घुसा हुआ पर्सपेक्टिव होता है ना, ऐसे एकदम ऐसे वाला आ जाएगा। हाँ ना वो बर्ड्स व्यू है ना, वो एरियल व्यू है, बीच का है वो। अच्छा, चित्रपट का कवर है? कवर से नहीं, पेंटिंग है। हाँ नहीं, उसका कवर जैसा ही लग रहा है, चित्रपट का जो कवर आता ना, कवर वाला ही। हाँ सर, ये हाँ ऐसा ही कुछ लग रहा है। वो येल्लो खाली उसमें ज्यादा हो गया। वो जो लेमन येलो यूज किया है ना, उसको थोड़ा अवॉइड करना बचने से। ये बीच वाला सर, ये नहीं, नीचे वाला, नीचे 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 नीचे। हाँ ये लग के, हाँ इस लाइन से लग के। हाँ ये पूरा वही, अदरवाइज बहुत अच्छा हुआ, गुड। प्रैक्टिस करो, आप सही जा रहे हो। स्केचिंग पे ध्यान दो थोड़ा सा, और कॉम्पोजिशन पे बहुत अच्छा जाएगा। ठीक हूँ मैं, बाकी सब बढ़िया। बाल गोपाल मोहन, कम काम हो रहा है। अरे कम क्यों हो रहा है, करते रहो, दबा के चाय पियो और काम करो, दबा के चाय पियो और काम करो, और कुछ मत पी लेना बस। हाँ राधा है ना। हाय राधा, गुड इवनिंग सर। हेलो दीपक सर, के सर, नमस्कार नमस्कार सर। इसकी पहले मैं आपसे मिली थी, अलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट्स कर रहे। हाँ लास्ट वाले वीडियो में थे आप, लास्ट वाले वीडियो में थे आप, है ना? यस यस यस, बिल्कुल 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 बिल्कुल। Yes, sir. Sir, मैंने कुछ लैंडस्केप किया है, वो दिखाना चाहूंगी। बिल्कुल, दीपक सर को दिखाएं आप, है ना? जरूर दिखाएं। दीपक सर देखिएगा जरूर और बताइएगा। हाँ जरूर जरूर। हाँ नहीं, पक्का पक्का सर, एक सेकंड। आप अभी क्या करते हो वैसे, बताना थोड़ा अपने बारे में आप, हल्का सा। सर मैं अलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट्स। तो कंप्लीट हो गया आपका कोर्स? नहीं 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 सर, अभी इस बार थर्ड ईयर मेरा। थर्ड ईयर में? आप थर्ड ईयर की सेकंड ईयर बोला आपने? सर सेकंड ईयर भी हुआ जस्ट, अभी थर्ड ईयर लगा है। अच्छा, अभी थर्ड ईयर लगा है, सही है। यस सर, इसी साल। सर सही था। हाँ ये अच्छा हुआ है का, अच्छा हुआ है, बट ना क्या प्रॉब्लम, वो जो ग्रीन, ये येलो जो यूज करते हो ना आप ट्री में, यस सर ये आउटडोर किया है आपने या फिर फोटोग्राफ से किया है? सर आउटडोर लाइव इलाहाबाद जंक्शन पे मैंने किया है, वहाँ के आसपास के एरियाज है वहाँ के। अरे वाह क्या बात है, गुड, लड़कियाँ प्लेनियर करती हैं, अच्छा लगा सुन के। मैं जब देखा नहीं है मैंने जल्दी किसी को इसके लिए। सर मैं लाइव स्केचिंग करती हूँ और लैंडस्केप वगैरह पोर्ट्रेट्स भी करती हूँ। तो वो येल्लो कलर जो ट्री में सच में वैसा था वहाँ पे क्या? सर अभी उतनी समझ नहीं थी जितनी उस टाइम पे मुझे समझ आया, मैं उस हिसाब से सर की हूँ। नहीं अच्छा हुआ, काम में नो डाउट, वो खाली येलो के लिए मैं टोकता हूँ बस, अदरवाइज वो कलर वगैरह ग्राउंड का अच्छा हुआ है। यस सर, गुड सर। और भी हैं, ये भी लाइव है सर, अगर प्लेनियर है तो बहुत। हाँ प्लेनियर है तो अच्छा, थोड़ा ग्रीन कलर पे ध्यान दो बस थोड़ा सा, ऐसा मेरा एडवाइस है, मेरे को ऐसा लगता है। ओके सर वो डायरेक्ट जो हम क्या करते हैं, मैं बताता हूँ, प्रॉब्लम बोल देता हूँ, हम क्या करते हैं ना डायरेक्ट टीम से निकाल के यूज कर लेते हैं। हाँ सर, तो उस चीज से थोड़ा सा बचना चाहिए ऐसा मेरा मानना है। अच्छा सर, बस उससे थोड़ा सा बचो आप। सर ग्रीन पे है ना? हाँ ग्रीन पे। आप पेंस ग्रे के साथ, आप पेंस पेंस ग्रे आपके पास है क्या सर? कौन सा पेंस ग्रे? नहीं है तो खरीद लो एक पेंस ग्रे कलर। नहीं सर, नहीं अभी तो नहीं है, अभी मैं खरीदूंगी जरूर।
हाँ वो सस्ता कलर बहुत सस्ता है, 70 रुपीज का आएगा, कैमल का 20 ml का, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है वो, बहुत अच्छा कलर है उसमें ना। आप गैम्बोज यू, वो जो पीला कलर होता है ना, येलो, इंडियन येलो जिसको बोलते हैं, उसको ऐड करके आप ग्रीन बनाओ, आपका ग्रीन का प्रॉब्लम मेजोरिटी खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है सर जी, जरूर ये कर लो आप। सर ये है ये। ड्राइंग वाइज आपका सही है, और लाइन से थोड़ा सा बचो, लाइन करने से ठीक, ओके सर, ये अच्छा हुआ काम। कलर आपका, कलर सेंस वगैरह अच्छा है, आप लाइन जो यस कर रहे हो ना वो सब सही है, खाली डर डर के मत करो, ऐसा मेरा एक एडवाइस है। बिल्कुल ओके सर। सर अब स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगता है, अभी सर धीरे धीरे डर खत्म हो रहा है, टाइम लग रहा है। नहीं, मैं बोलूंगा फिर भी डर रहेगा, मेरे को पता, मेरे में भी मेरे लेवल से डर है, लेकिन उसको जितना ओवरकम घटा सकते हो वैसे घटाओ बस। ओ जी सर, पूरी कोशिश रहेगी सर। ये हाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है गेट, अरे वाह, ये अच्छा हुआ काम, गुड, बढ़िया। ये अच्छा हुआ। कलर वगैरह भी, स्किन का ग्राउंड का टोन वगैरह बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। सर थैंक यू ये वेरी थोड़ा मच। कॉपी वर्क है मेरा, हाँ ये हाँ मैंने स्टार्टिंग किया था कौन से आर्टिस्ट का नाम, सर। कौन किसका है कॉपी, सर एक्चुअली बोलिए। आर्टिस्ट का नाम नहीं पता, मुझे अच्छा लगा था तो मैंने उसको हाँ स्टार्टिंग का सर, तो इसलिए मुझे नहीं आता फर्स्ट हाँ नहीं ईयर नहीं का कोई है। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, कॉपी करो जितना करना अभी आप करो। ओके सर। सर ये लाइव है सर, हाँ ये भी अच्छा हुआ। हाँ आप येलो का काम थोड़ा ठीक कर लो, आपका मेजर, आपका वर्क का जो पावरफुलनेस है ना वो बहुत बढ़ जाएगा, वो येलो क्या कर रहा है ना, सारा अट्रैक्शन ट्री पे ले ले रहा है। ओके सर, ये भी लाइव है। गुड, आपका सारा काम अच्छा है, सिर्फ वो ग्रीन पे थोड़ा ध्यान दो, आपका काम का लेवल अपग्रेड हो जाएगा। ओके सर, सर पूरी कोशिश रहेगी। हाँ नहीं अब कर लोगे, डोंट वरी, कॉलेज में काम होना। काम बहुत कर लिया बच्ची ने। हाँ सर ये लाइव है, वहां पे सर बाहर बना हुआ है हमारे यूनिवर्सिटी के बाहर डिपार्टमेंट के, हाँ वो वहां पे सर ये स्कल्पचर है बना हुआ है वहां पे मूर्ति, तो वहां का है। अच्छा हुआ, ये भी सिर्फ एक ही आपका मेन मेजर प्रॉब्लम, इसको आप खत्म करना, ग्रीन बस, ओके सर। आपका ये टास्क है सर आपके लिए, ज्यादा नहीं 1 महीना लगेगा, दूर हो जाएगा, खाली आपका ऑब्जर्व जो ग्रीन करना, है ना सिर्फ वो बड़ा ऑब्जर्वेशन। एनिमेशन के आसपास है, मतलब कुछ ज्यादा ही ग्रीन है ना। हाँ, एनिमेशन के ठीक है आसपास, सर। हाँ थोड़ा सा इतना सर आप ब्राइट, सर हाँ सजेशन इतना भी ब्राइट। करने की कोशिश करो, तो आप हाँ लोग ऐसी बीच बीच में बस ऐसी सजेशन देते रहा करिए बस। अच्छा हाँ जरूर। नहीं पक्का, सर ये पोर्ट्रेट है और इसमें मैंने प्लास्टिक चढ़ा दिया है, ये है वाटर कलर। ये अच्छा हुआ काम, बिल्कुल गुड, कलर स्कीम वगैरह, हार्मनी, वो कैरेक्टर अच्छा आया, जो एक्सप्रेशन है ना बहुत अच्छा है। सर, सामने से और भी है, मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ लेकिन हाँ मुझे भी काफी अच्छा लगा। हाँ सच में अच्छा है, वो जो वेटनेस आया है ना, ये वेटनेस जो आया है ना ये, और यहाँ पे जो लाइट छूटा, ये एरिया ये बहुत थैंक अच्छा मेंटेन हुआ है ये, यू क्योंकि सर। ये लाइन को मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है, जॉ लाइन जिसको बोलते हैं। यस सर, ये कंपोजिशन है कुछ अरे वाह गुड, क्या गपशप के कर रही सर, हो, मैंने के ये ले सर ससुराल का बातें डायरी चल रहा है दिखाई इनका, थी। सब हाँ डायरी दिखाई थी लास्ट टाइम। हाँ चुगली कर रहे हैं सबके घर का, चुगली चल रहा है वहां पे। सही है। और ये ये भी अच्छा होगा, वेरी बोझ से मर नहीं जाएगी वो, उसके ऊपर नहीं, ठीक है, मेरे को लगा पेड़ भी उसके ऊपर ही नहीं गुड, पड़ेगा। वेरी नहीं अच्छा हुआ ये, गुड। गुड बेटा। चलो बेटा, और भी बहुत से लोग हैं रो में, है ना, ठीक है, कई बार रह जाते हैं बेचारे, तो उन्हें ले लेते हैं, ठीक है, ओके, ओके सर, ओके सर, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऐसे ऑफ काम लक, करते रहो, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक करो आप। हाय बोथ, मुझे पता नहीं कि लास्ट वीडियो मेरा कहाँ अटका, बट आई वुड से नहीं, कि थैंक यू। नो यू टोल्ड मी यू आर गोइंग टू शो योर वर्क। ओके ग्रेट सर, स्ट्रेट वे गो टू दैट पॉइंट नाउ। हाउ डू आई फ्रॉम टेल वेयर यू, आर यू? आई एम बेसिकली फ्रॉम इंडिया बट राइट नाउ इन इंग्लैंड। ओ यू आर इन ओके इंग्लैंड, ओके। रिमेम्बर मैंने आपसे पूछा था कि इफ देर इज अ वे वी कैन डू समथिंग फॉर किड्स एंड हेल्प देम प्रमोट, सॉरी अगर कोई तरीका हो जब हम बच्चों को ऐसे प्रमोट कर सके उनके काम को और वगैरह, या एग्जीबिशन से, बिकॉज मोस्टली वी फील दैट इन दिस स्पेस इट्स अ वेरी क्लोज, मतलब ये बहुत छोटी और क्लोज कम्युनिटी है, सो वी हैव टू कीप एंकरेजिंग ईच एंड एवरीबडी। एंड ऑल्सो
मोस्ट ऑफ द टाइम्स मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि काफी अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको एंकरेजमेंट ही नहीं मिलती, तो वी आई वाज थिंकिंग कि जो कोई कुछ कर सकते हैं वी शुड डू सो. आई जस्ट केम अक्रॉस योर प्रोफाइल कृष्णन, आई रियली लाइक इट दैट व्हाट यू आर डूइंग इज रियली गुड. सॉरी बीच बीच में इंग्लिश घुस रहा है बट अच्छा है. कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा होती है दिक्कत, है ना. तो ठीक है मैं बताती हूँ. मुझे हाँ मेरे दो तीन क्वेश्चंस हैं. एक तो दीपक आपने जो बताया कि ड्राइंग करते रहो, ड्राइंग इतना बोरिंग चीज है. आई मीन मैंने तो प्रैक्टिकली स्टार्ट किया एक साल पहले, बट बोर इतना बोर होता है ना ड्राइंग करने में. पूरी पूरी तरह से कोई दूर दूर तक मैं बताऊंगी पता चलेगा, कोनो कोनो तक मतलब लगता ही नहीं है हाथ, तो अब क्या करें. नहीं आप बीमार पड़ते हो तो पड़ेगा इंसान. तो मेडिसिन खाते हो ना. तो सोचो बीमार पड़े हुए मेडिसिन खाना है. इतनी बुरी हालत है. देखो मैंने वाटर कलर जो किया मैं बताती हूँ. ये अच्छा हुआ काम आपका. हाँ मैं मोस्टली वाटर रिफ्लेक्शंस को ही करना पसंद करती हूँ. बट अगेन एज यू मेंशन्ड इंसान को सभी चीज ट्राई करना चाहिए. तो ये बहुत अच्छा हुआ काम. तो मेरे पर्सपेक्टिव बहुत बिगड़े हैं, बताऊंगी मैं कितने गंदे हैं. अरे वाह ये मस्त है. थैंक यू. अभी इसमें तो मुझे एक बड़ा कंफ्यूजन ये था कि कितने लेयर डालें. इसमें मैंने 5-6 लेयर डाले हैं ये पेपर में, बट अगेन फिर भी लगता है कि शायद 5-6 डालने के बाद वो. तो ये भी कंफ्यूजन है कि आपको कब पता चले कि कितने लेयर में आपको खत्म करना है. अब ये पर्सपेक्टिव देखो कहाँ कहाँ गया पता नहीं, बट कुछ तो आया. कलर आप कितने साल से पेंटिंग कर रहे हो? 9 months ना. आपका इम्प्रूवमेंट खतरनाक है फिर. हाँ मैं तो रोज करती हूँ. 9 months के हिसाब से तो बहुत तगड़ा है. नहीं जबरदस्त है, मतलब आप में है, बस आपको खाली थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा. हाँ इसीलिए मैंने सोचा कि देखो बीच में अर्बन घुसाती हूँ, पर्सपेक्टिव खराब है फिर भी. चौकी होने से बचाओ. क्या हो रहा है ना एलवेरो सर या जो भी वो लोग मिक्स करते हैं ना, वो बेसिकली पेंस ग्रे भी नहीं होता है, न्यूट्रल टिंट कलर या फिर कोई और उनके पास 2-3 कलर है ग्रेज के सेट, वो मिक्स करते हैं. हो सकता है क्योंकि तो वीक में ना खाना पकाते जैसे ये वो डाल देते हैं, पता नहीं चलता है क्या बना है खाने में. खाना तो सब बनता है. अच्छा ये प्रैक्टिस जिस तरीके से आप ये प्रैक्टिस जिस स्पीड में आप कर रहे हो ना, आप ज्यादा नहीं 1.5 and 2 years इसी रिग्रेस से आप काम करो. हाँ वो तो है, छोड़ना तो नहीं है. बट मस्त है ये भी. अच्छा हुआ पता है अब सबसे खूबसूरत जो सेकंड वाला. हाँ ये वाला, ये जो अभी यहाँ ये बड़ा जबरदस्त कलर स्कीम बहुत अच्छा लगा. इसमें कलर स्कीम बहुत खूबसूरत है सीरियसली. और राइट तो खाली वो ब्रांचेस ज्यादा, खाली वो ज्यादा ब्रांचेस को ऐड मत करना. हाँ आई नो अभी बहुत कुछ है सीखने के लिए, एवरीडे नया पेंटिंग होता है. आज जो किया कल उसके कल जो करते हैं वो और भी ज्यादा अच्छा लगता है. तो यस बट यस थैंक यू वेरी मच. आई वुड लाइक टू गिव अदर्स अ चांस एज वेल. बट आप लोग जो कर रहे हो वो करते रहिए. आई विल ट्राई हाउ मच एवर आई कैन पॉसिबली जॉइन एंड इफ आई कैन डू एनीथिंग इन फ्यूचर आई वुड लव टू. बिल्कुल बिल्कुल पक्का. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और ड्राइंग इतना बोरिंग नहीं है ना, ठीक है. मैं एक चीज बता दूं, स्केच बुक खरीद के रखी और कृष्णन मैंने आपका एक वो देखा पोस्ट, उसमें आपने कहा वो स्टेडलर की लूमिनॉक्स पेंसिल है वो खरीद के लिखी. मैंने दो तो है अभी, शुरू कहाँ से कर रहे हैं, पेंसिल भी है बुक भी है, क्या करूँ. आप मानोगे नहीं अभी मैं बिस्तर पे हूँ, ज्यादा वो नहीं है. मैं अभी ऐसे कुछ इस तरीके से बिस्तर पे ही हूँ, आसपास सब कुछ ऐसा ही है. तो मैं अपने बिस्तर के आसपास भी एक स्केच बुक रखता हूँ ऑलवेज. अचानक से मूड हुआ तो कर दिया ड्रॉ. और ड्रॉइंग ऐसा है कि कुछ जरूरी नहीं है उसका आउटपुट स्ट्रॉन्ग आए, पावरफुल आए, है ना. ड्रॉइंग एक तरीके से फीलिंग है जो आपको एक्सप्रेस करनी होती है. आपको कभी किसी को गुस्सा दिखाना है तो कभी क्या करते हैं, गाली भी दे देते हैं, अचानक से निकलती है ना गाली दे देते हैं, 2-4 शब्द कुछ बोल दिया. तो ये उसी तरीके से है, अचानक से आती है तो कुछ कर दिया. तो आउटपुट जरूरी है, खूबसूरत आए, है ना. तो दिखाने के लिए ड्रॉइंग नहीं करना है हमें, अपने लिए करना है ना. और सीखना है हाँ. तो ऐसी 4-5 स्केच बुके अगर आप जो भर दोगे ना कुछ भी, मैं तो कहता हूँ कुछ भी. ये 1 week का खेल है, ये 1 week का है, ये 1 week का जुगाड़ है, मेरा 1 week का खुराक है जिस हिसाब से. 50-50 किया तो 2 दिन में भर जाएगा. मुझे बता
बताना, हाँ आप लोग ने अपने इतने सारे किए, कभी आप लोग स्केचबुक का फ्लिप थ्रू वीडियो भी डाले कीजिए ना, हम लोग थोड़े मोटिवेट हो जाएंगे कि मतलब स्केचबुक में ऐसे कुछ, क्योंकि काफी लोग का क्या मानना होता है सब कुछ अच्छी अच्छी चीजें ही होती है, ऐसा हर किसी की लाइफ में होता है कि स्केचबुक में आधे से ज्यादा पन्ने ऐसे ही रफ होते हैं और थोड़े, तो इट्स लाइक इट एनकरेजेस पीपल लाइक अस जिनको स्केचबुक में जरा नहीं वीडियो डालता हूं, पता क्या है कि कभी कभी होता है स्केचबुक खराब वाली डालता पहले, ताकि स्केचबुक में फाइनल वर्क डाल दिया लेकिन ऐसे पड़े रहते हैं, ऐसे अलग अलग पन्ने, कभी किस पे क्या कर दिया, मतलब कुछ इस तरीके से रहता है और इनको संभाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये फिर चले ही जाते हैं कहीं ना कहीं, पता नहीं चलता, बच्चों के पास चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। तो अच्छा कर रहे हैं आप, बस ड्राइंग पे स्टार्ट करें तो शायद आपका जो वाटर कलर का जो है ना वो यहाँ जाएगा, अगर आप ड्राइंग पे भी थोड़ा ध्यान दो यहाँ जाएगा, पीक पे जाएगा, बहुत जबरदस्त है। आठ महीने के हिसाब से काम बहुत सही था, और एलवोरा का ही वो इफेक्ट था, वो जो डार्कनेस आ रही थी वो उधर से आ रही थी, वो दिख रहा है कि किसको देखा जा रहा है, किसको देखे जा रहा है, वो उधर की है ना, बाहर की रहती नहीं, सही था, बट उनको थोड़ा वो ब्लाइंडली नहीं करना है फॉलो कभी भी किसी को। हाँ वही है, बस वो थोड़ा सा ध्यान रखने से ना आप अपना खुद को खुद की जो अंदर कैपेबिलिटी आप उसको इनहेंस कर लोगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो हेलो अनुपम, सुन पा रहे हैं आप? जी जी सर, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? आ रही है आवाज सर? आवाज आ रही है अनुपम का? शायद नेट नेट थोड़ा सा। हेलो सर, पहले तो थैंक यू। आर्टिस्ट लोग होते हैं और उसके बाद मतलब क्वेश्चन वगैरह हो जाता है कमेंट पे, बस ऐसे इंटरेक्शन करने का मौका मिलता नहीं है, तो सबसे पहले थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। और सर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, एक्चुअली मैं भी वाटर कलर करीब 2-2.5 साल से कर रहा हूँ, और सिंस मैं जॉब में हूँ तो मुझे ज्यादा टाइम मिलता नहीं, फिर भी जितना मिल जाता है मैं कर लेता हूँ। तो मेरे कुछ वर्क्स हैं, मैं दिखाऊंगा आपको, रिसेंट वर्क्स हैं। एक तो ये है सर, सर दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, स्टिल रखो अपना कैमरा, एक जगह स्टिल रखो, उसको हिलाना नहीं है, बस 2 मिनट के लिए वहीं पे होल्ड रखो, जब हम बोले तब हिलाना। ओके ठीक है, अच्छा वेरी गुड, कंट्रास्ट बहुत अच्छा। एक और है थोड़ा सा सर, एक और काम था जो वाराणसी का मैंने किया था, अब ये मेरा आईपैड में है तो ज्यादा मैं उसको। गजब, खूबसूरत है ये, बहुत अच्छा हुआ है, खूबसूरत। आप कहाँ से हो, कहाँ एक बार थोड़ा बता दो हल्का सा, कहाँ से हो? सर मैं एक्चुअली यूपी से हूँ, बट अभी मैं बेंगलोर में काम करता हूँ। यूपी बहुत बड़ा है, यूपी में कहाँ से आप? यूपी में सर मैं आजमगढ़ से हूँ। आजमगढ़, हाँ तो वहाँ का नाम लो जहाँ से, हाँ जन्मभूमि आजमगढ़ है हमारी, है ना? जी जी बिल्कुल सर। सर क्वेश्चन मेरा थोड़ा ये है कि जब भी हम कभी सिटीस्केप करते हैं तो उसमें जो फिगर्स होते हैं उसको लेके बड़ा इशू होता है, ये मतलब पर्सपेक्टिव में हम लोग, जैसे एक ये ड्राइंग है मेरी, अभी मैंने बनाया था इसको देख के ही, पहला तो ये है कि देखिए जैसे फिगर कुछ छोटे हो जा रहे हैं, कुछ बड़े हो जा रहे हैं, और एक प्रॉपर व्यू नहीं आ रहा है, मतलब एक देखने में लगे कि एक फील आए कि हाँ मतलब एक सीन क्रिएट हो रहा है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, मतलब कुछ सजेशन दीजिए उसके लिए। आपको फिगर इम्प्रूव करना है? जी सर जी, फिगर विद पर्सपेक्टिव, सपोज फिगर मैंने ड्रॉ तो कर लिया, एक फिगर का एक शॉर्टकट है। हाँ फिगर का एक शॉर्टकट मैं बताता हूँ, ऊपर का जो हेड का जो बेसलाइन होता है ना, वो सारे का सिमिलर रखो, ठीक है, ऊपर का हेड लाइन, और जो लेग लाइन होता है उसका सबका डिफर करो, हेड लाइन अगर सिमिलर रखोगे ना तो क्या होगा, सब एडल्ट दिखेगा, ठीक है, और लेग लाइन पीछे उसके, जैसे मान लो ये एक लेग है देन सेकंड एक है, तो उसके पीछे पीछे लेग सब करो, तो क्या होगा ना, आपका पर्सपेक्टिव भी करेक्ट होगा, फिगर भी मैच्योर दिखेगा, और अगर आपको बच्चा दिखाना है तो आपको पता है कि अगर हेडलाइन सेम है तो हेडलाइन के नीचे कोई भी आएगा तो वो प्रीमैच्योर लगेगा ही, बच्चा ही लगेगा ऑलमोस्ट, तो वो टेक्निक यूज करो, आपका मेजोरिटी ऑफ पर्सपेक्टिव का प्रॉब्लम खत्म हो जाना चाहिए, फिगर का जो प्रॉब्लम हो रहा है।
सर एक और क्वेश्चन है, जब भी हम शेडो बनाते हैं, सपोज जब हम कोई सिटीस्केप करते हैं उसमें क्या होता है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि नॉर्मली देखते हैं हम लोग जो शेडो करने के लिए आप अल्ट्रा मरीन यूज कर लेते हैं, मिक्स करते हैं सेम कलर में, तो या तो सेम कलर को डार्क करके यूज किया जाए या फिर अल्ट्रा मरीन को या फिर कोई ब्लू शेड लेके सपोज पेंस ग्रे हो गया ऐसे करके शेड दिया जाए। डिपेंड करता है सरफेस किस चीज का है, जरूरी नहीं सपोज जैसे कोई जैसे बताता हूं मैं, अगर येलो कलर का बिल्डिंग है तो शेडो उस पे ग्रे हो सकता है, लेकिन उसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उस अगर वार्म है तो कूल कलर का फ्लेवर का शेडो दिखेगा, थोड़ा सा पर्पलिश ब्लूइश और थोड़ा सा अंदर जाने के बाद ग्रेइश में चेंज हो जाता है। लेकिन सिमिलर इन शॉर्टकट वे क्या है, वेस्टर्न आर्टिस्ट सब चीज को ग्रेज में ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो हम लोग उनको फॉलो करके सब चीज ग्रेज में करने का कोशिश करते हैं। अगर आप इंडिया में रहते हो तो जैसे मुंबई का ट्रेडिशन बताता हूँ, यहाँ के सभी लोग ज्यादा पर्पल शेडो ही बनाते हैं, किसी का देख लो मेजोरिटी पर्पल। मेरे को भी लोग बोलते हैं सारे आपका सर शेडो पर्पल नहीं होता, क्योंकि मेरे को दिखता ही नहीं है पर्पल, क्योंकि मेरे को जहां जाता हूँ सरफेस में पर्पल होता ही नहीं है। तो अपन क्या करते हैं ना, ऑटो पायलट मोड में चलते हैं हमेशा, रटा रटाया जो मिला मारो सट 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 खत्म। तो कभी भी किसी भी चीज को प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है ना, उसको वहां पे प्रेजेंट रखो और ऑब्जर्व करो ब्लैंक माइंड करके, प्रीवियस आर्टिस्ट का इमेज माइंड में मत रखा करो कि अरे वो आर्टिस्ट ये शैडो डाला तो हमको भी यही डालना है। और ये भी जरूरी नहीं है कि अल्ट्रा मरीन से ही शैडो हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि पर्पल से शैडो हो, आप सरफेस एलिमेंट को ऑब्जर्व करो, उस एलिमेंट के अपोजिट कलर को यूज करो शैडो के लिए, आपका शैडो हमेशा लाइवली दिखेगा और जबरदस्त आएगा फिर। क्योंकि सर कई बार ऐसा होता है ना कि तो जैसे अल्वारो सर का पेंटिंग हो गया या फिर जोसेफ सर का पेंटिंग हो गया कि जो इनसे इंस्पायर होते हैं, तो बेसिकली कोशिश करते हैं हम लोग कि हम लोग शैडो चलिए ग्रे में ही बना देते हैं। हाँ वही यही इंस्पायर होना है, फॉलोअर होना है, ब्लाइंड फॉलोअर नहीं होना है। जैसे अभी कुछ निशिकांत सर का काम है जो जिसमें वो मतलब शैडो बनाते हैं तो सेम कलर को उन्होंने फॉर्म करके बनाया है, तो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो वही सर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि कैसा चूज किया जाए। तो आप एक काम करो, अगर कूल सरफेस है तो वार्म शैडो लो और वार्म सरफेस है तो कूल शैडो लो, ये एक तरीका है। और कभी कभी ये दोनों नहीं होता, ये भी मैं पहले बता दे रहा हूँ इन दोनों का बीच का होता है, तो इसका एक सर्टेन आंसर नहीं दे सकता हूं मैं भी या कोई भी नहीं दे सकता है, क्योंकि होता ही नहीं है वैसा। जैसे सर एक एक काम है अभी मैंने किया था, अब इसमें जो मैंने शैडो किया है मुझे मुझे खुद पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा है अभी। नहीं, इसमें देखिए नहीं, मैं बोलता हूँ ये शेडो अच्छा आया है, बस इसमें आपको थोड़ा सा ना ब्लू कलर का जो होता है ना अल्ट्रा मरीन के साथ वो मिक्स करके हल्का सा वैल्यू बढ़ा देते हैं, आपका शेडो चमक जाता है पूरा। क्योंकि सर अभी देखिए आपका वॉइस ब्रेक हो जा रहा है, तो वो बिल्कुल फेड हो जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी आती है मतलब करने में कि कैसे उसको मतलब फिक्स किया जाए इसको। तो उसके लिए सर क्या सजेशन रहेगा, मतलब उसके लिए हम लोग जैसे क्या होता है कि जैसे कोई शैडो में ही फिगर आ रही हो, शैडो में ही फिगर आ रही हो, तो उसको पहले मतलब फिगर को बनाया जाए या फिर शैडो बना के उतना स्पेस छोड़ के फिर मतलब उसको बनाया जाए। आप सब्जी बनाओ तो नमक का बाद में डालो चाहे खाने के समय डालो, आपको चूज करना है। बाकी जो आपका बेसिकली अपने कंपैटिबिलिटी, हाँ, तो और जो आप काम कर सकते हो शैडो पहले मत करो, सरफेस पहले मेन एलिमेंट जो है फिगर्स उसको करने के बाद शैडो करो तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आता है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैंने किया भी है, रिजल्ट अच्छा मिलता है। फिर कई बार मैंने सर ये एक मास्किंग फ्लूइड आता है उसको भी ट्राई किया, लेकिन बड़ी डिफिकल्टी होती है उसको निकालने वगैरह में, तो फिर मतलब उतना फिजिबल नहीं हो पाता है कि मतलब काम कर लो। मास्किंग फ्लूइड का बोला ना, वो थोड़ा क्या करते हैं यूज कर सकते हो थोड़ा बहुत, बट ना वो शार्पनेस बहुत ज्यादा क्रिएट कर देते हैं, वो अननेचुरल लगता है, फिर देखना वो कटआउट रिलीज करता है ना कि सॉफ्टनेस, कटआउट बनाता है, तो वो सरफेस लाइट में गड्ढा दिखता है वो, फिर देखना कभी भी शोल्डर वगैरह पे मास्किंग फ्लूइड लगाओगे और हटाओगे देखना गड्ढा दिखेगा, वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है बट अगर आप पेंटिंग सामने हो ना तो गड्ढा दिखता है वो। तो आप थोड़ा एक दो डॉट व्हाइट यूज कर लो, मास्किंग फ्लूइड से बेटर रिजल्ट देगा, ठीक है। और रहा वो फिगर का और पर्सपेक्टिव का, आपको दिक्कत आती क्राउड बनाने में, क्राउड पीछे की तरफ जा रहा है आगे वाला है ना, वो दिक्कत है।
तो मुझे नहीं लगता बीजे विश्वास सर से बेहतर कोई है, मतलब बीजे विश्वास सर ने वो जो क्राउड को ना अच्छे से, बहुत अच्छे से समझा है। आप अगर उनकी जितने भी देखोगे ना, क्योंकि इतना क्राउड वॉटर कलर आर्टिस्टों में बहुत कम लोग है जो बनाते हैं, विजय विश्वास सर थोड़ा डिटेल की तरफ जाते हैं, उनके वाटर कलर में सिर्फ एक चीज है कि वो थोड़ा डिटेल्ड करते हैं, है ना। बट जो आगे वाला फिगर होता है उसके पीछे जो फिगर होता है उनमें कलरों का चुनाव, रंगों का चुनाव, ये बहुत जरूरी होता है डिस्टेंस के लिए। और पीछे वाले में देखा होगा उन्होंने पूरा ब्लू इम्पैक्ट छोड़ देते हैं, अल्ट्रामरीन ब्लू हल्का सा येलो कलर वगैरह कुछ मिक्स करके आगे के दो चार फिगर में जान डालते हैं, तो वो पीछे वाला क्राउड उन आगे के चार जो जिनमें डिटेल किया उसके साथ में एक दृष्टि भ्रम क्रिएट करता है, एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि पीछे भी भीड़ है ना, पास से देखो तो कुछ भी नहीं है, बस ठह 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 ऐसे कुछ ही है, बस इतना सही। तो वो ही है, आप उनके काम को भी देखो ना तो शायद समझ में आ जाएगा। हाँ ये अच्छा आइडिया, विजय विश्वास सर का काम चेक करो। हाँ चलो ठीक है ना, ओके बाकी लोगों को भी ले। अभिनव कुमार, हाँ भाई अभिनव, हेलो, सर्दी बहुत लग रही है तुम्हें, हैं टोपाई लगा लो, ये दूसरा वाला ऑर्डर का तुमने। यस आदार, नो सर हम लोग यहाँ तो कहाँ से हो पहले तो ये बताओ। उत्तर प्रदेश सर, ओके सैदुपुर क्या कर रहे हैं आप अभी? सर इसमें आप लोग का लाइव वीडियो देख रहा था, आप लोग का सब वीडियो देख के मोटिवेट होता हूँ, हमको भी ड्राइंग बनाने का शौक है सर। इसमें क्लास 10th में हूँ, जो एक और अभिनव आया था ना वो सब मेरे क्लासमेट है अच्छा वो, अच्छा 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 ठीक है, अच्छा हम दोनों एक ही स्कूल में अच्छा पढ़ते हैं। अच्छा वो अच्छा अच्छा से ड्राइंग बनाता है, हमें उसका देख के थोड़ा सा मोटिवेट, हम भी सोचते हैं हम भी बनाएंगे कुछ सा दिखाओ स्पेशल दिखाओ चीज है। दिखाओ दिखाओ। सर देखिए अभी तो एक स्टार्टिंग की है बहुत सर, अच्छा अभी हुआ है, का दो बहुत तीन बढ़िया, मस्त, गुड। कौन है ये? टोनी हाँ स्टार्क। टोनी स्टार्क, यस सर कोई प्रणाम गुरु गुरुदेव, एक्टर प्रणाम प्रणाम। एक बार काम देख ले इधर, है ना, देख लो एक बार। सर ये आज का है सर, ये आज के एक लड़के का स्केच बनाया है, लड़की है? लड़के का अच्छा सर है। लड़का, अच्छा ठीक है लड़का सही है। अच्छा हुआ है। टी शर्ट पे क्या लिखा है उसके? सर लव लव आगे। ये क्या लिखा है? लव लव, छोड़ो यार, आगे वाला हिसाब ही थोड़ा सा क्या अलग हो गया। अच्छा लिखा है इसने? अच्छा सो वैसे ही सेट, वैसे ही डिजाइन बनाते उसके सेट पे ही, अच्छा नहीं अच्छा समझ हमको भी नहीं आया था अच्छा क्यों अच्छा अच्छा ये अच्छा कर रहे हो। दिक्कत। पता है दिक्कत कहाँ आ रही है? कि मिडल टोन्स को खा रहे हो थोड़ा सा, है ना, फेस वगैरह बिल्कुल सब फ्लैट हो रहे हैं, साइड में तो शेडो कर रहे हो बट मिडल टोन्स वगैरह गायब है थोड़ी सी, है ना टोन। सर ये साइड, सर ये साइड और जो बोल रहे हैं, हाँ वही 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 वही, जैसे यहाँ पे देखो हाँ तीन सर अभी लाइट डार्क और ये सबसे ज्यादा डार्क दिख रहा है, तो ये यस सर टोन मिस हो जा रहा है, ये वाला, ये है तुम्हारा, ये आप में सर है, अभी ये है, ये टोन नहीं है, ये टोन भी है डार्क एटलीस्ट, ये मिडिल टोन खत्म हो गया। यस सर अभी सीख रहे, प्रैक्टिस कर रहे सर धीरे धीरे। नहीं अच्छा जा रहा है, आप 10th क्लास में बहुत अच्छा कर रहे हो फिर तो। हाँ सर ये वो भी देखना है। हाँ हेलो सर, मम्मी पापा बोलते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या करेगा पेंटिंग करके, पढ़ो। सर 10th के बाद क्या कौन सा सर फॉर्म भरे, बीएफए कैसा करना है? VFX करना बीएफए है तो करना है तो बीएफए, फिर सर बीएफए करना है वही। हाँ तो सही है, यूपी में तो BHU है ही। टेन हाँ BHU है, बाकी बाहर भी निकल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ बाहर भी अगर वहीं सर जाना है, रंगोली, सर रंगोली भी बनाते हैं, मतलब सर कंपटीशन होता है सर बनारस में, मतलब सर कहीं फर्स्ट प्राइज मिला है, अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। और स्केच और सर टैटू भी बना लेते हैं, और सर वो पेंटिंग भी करते हैं थोड़ा बहुत। सर 15 अगस्त का अपना सर से आइडिया कुछ लगाया था, पर वेरी गुड, 26 जनवरी का। शाबाश, वेरी गुड। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू चलो हो रहा है शायद, आई थिंक नेटवर्क का यस इश्यू सर हो गया, थोड़ा सा है, है ना, नेटवर्क का इश्यू हो रहा है। चलो सर कुछ अच्छा था, पेंटिंग भी कर रहे थे हैकर पेंट से। यस बॉय। एनाटॉमी करना है, सर एंड्रू वाइट, एंड्रू ल्यूमस को स्टडी करो जिसको भी एनाटॉमी करना है, या फिर आदित्य चारी सर इंडिया के, उनका कर सकते हो।
बिल्कुल ठीक है सर, सब बाय बाय, चलो है ना, बढ़िया, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा कर रहे हो, थैंक यू सर। आई थिंक नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू हो ही रहा है आपका, मेरा हो रहा है पता नहीं, एक मिनट बच्चे बताएंगे, लोग बताएंगे किसका हो रहा है। अच्छा हाँ हेलो हाय, एक हाँ अभी ठीक है, अपना दोनों का ठीक है, उसकी वजह से हो रहा था शायद, वो कभी वही मैं सोचा कि मेरा ट्रैफिक हो जाता है कभी कभी। हाँ कोई नहीं, चलिए, और देखो यहाँ तो लोगों की कोई कमी नहीं है, लोग आते जाएंगे, ये 12 बचवा देंगे, तो एक दो को एक दो ले लेते हैं, फिर करते हैं। हाँ चलेगा। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं हिमाचल प्रदेश हमीरपुर से हूँ। अच्छा, सर, और मैं फाइन आर्ट का स्टूडेंट हूँ। बहुत बढ़िया सर। सर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, पेंटिंग्स। पता है दीपक जी, ये जो मैंने स्टार्ट किया है ये लाइव वगैरह का, ये इसीलिए स्टार्ट किया है ताकि स्टूडेंट्स जुड़ सके। सर ये पेस्टल में थी कुछ पेंटिंग, पोर्ट्रेट। अरे वाह, पेस्टल है ये, सॉफ्ट पेस्टल। यस सर, यस सॉफ्ट पेस्टल। वेरी गुड, वेरी गुड। पेंसिल थोड़ी लगाई है इसमें, पेंसिल लगाई है ना, सॉफ्ट पेस्टल वाली जो पेंसिल आती है। नो सर, सर वो नहीं है, सिर्फ चौक चौक से, उस चौक से ही करा है। यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड आई मस्ट सर, थोड़ा बैकग्राउंड देना भी सीखो, है ना, निकल के आएगा, डेप्थ आएगी। वो फिर और ये सर आपका तो थोड़ा कॉपी किया था बट उतना ये नहीं हुआ था। नहीं नहीं अच्छा है। हेलो कमल प्रजापत, हेलो। और सर ये चारकोल में था, ये चारकोल में, चारकोल कौन सा वाला, ये विल्लो चारकोल है? नहीं सर, सर मैंने सर जो चारकोल स्टिक्स होती हैं सर उनको मतलब तोड़ तोड़ के बनाया था, मतलब ऐसे। नहीं तो विलो चारकोल यूज में लिया करो ना, चारकोल स्टिक में अगर यूज में लो तो विलो चारकोल लो। हाँ विलो चारकोल अच्छा है। और ये सिग्नेचर जो किया है ना किलोमीटर के हिसाब से, उसको थोड़ा सा छोटा करो, ठीक है, आर्टवर्क को खा जाता है ये एक सिग्नेचर किलोमीटर के हिसाब से। अच्छा बनाया, वेरी गुड, अच्छा बनाया। और सर सर कुछ वाटर कलर थे, वाटर कलर पेंटिंग, सर ये तो कुछ अच्छा नहीं है बट ऐसे। कलर की मात्रा ज्यादा हो गई, पानी की मात्रा कम हो रही है ना, थोड़ा ओपेक की तरफ जा रहा था वो। यस सर, ठीक है। इस सर ऑयल था, ये ऑयल है, कौन से ईयर में हो, कौन से ईयर में हो सर? तीसरा सेमेस्टर चल रहा है। तीसरा सेमेस्टर चल रहा मतलब सेकंड ईयर? सेकंड ईयर। यस सर, वेरी गुड बेटा, शाबाश। और सर ये भी ऑयल थी, वेरी गुड, अरे मस्त है, गुड। अपना एकेडमी को ऑलवेज स्ट्रांग रखना है ना, फाइन आर्ट्स कर रहे हो तो एज ए फाइन आर्ट स्टूडेंट एक चीज को ध्यान रखो, ये मत जाना कि सिर्फ रियलिस्टिक ही बहुत कुछ है, या ये भी मत जाना कि सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन ही बहुत कुछ है ना। एकेडमिक स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, हमारी ड्राइंग पावरफुल होनी चाहिए, आपकी अगर ड्राइंग पावरफुल है देन आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो जहन में सिर्फ ये चीज ध्यान रखना कि एकेडमिक पूरी स्टडी करनी है हमें, ऐसा नहीं कि भाई चार अच्छे स्केच बना लिए, दो पोर्ट्रेट बना लिए, माशाल्लाह तब आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, डेप्थ तक जाना है। अगर फिगर स्टडी भी करनी है, बोन्स, बोन्स के बाद में मसल्स, मसल्स के बाद में फिर स्किन टेक्चर, है ना, ऐसे इस तरीके से स्टडी करनी है ताकि कल को जब आप फील्ड में उतरो तो आपको कोई वो नहीं कर सकता, फिर आपको कोई एक तरीके से मतलब परेशान नहीं कर सकता। आज अचानक से मैं एब्स्ट्रैक्ट करूं, मुझे कोई मना नहीं करेगा, पता है क्यों? मेरे एब्स्ट्रैक्ट को भी स्वीकारा जाएगा क्योंकि मैंने पहले वो सब काम कर लिए, थोड़े बहुत रियलिस्टिक फिजरिस्टिक, थोड़ा बहुत स्किल्स दिखा दी, यस किस में स्किल्स है, बट ये इसकी मर्जी से कलर फेंक रहा है, अब ये इसकी मर्जी से कलर फेंक रहा है ना, ये सही है, ये अधिकार हमें मिल जाता है अगर आपका ये एकेडमिक स्ट्रांग हो, और अपनी खुद की आइडेंटिटी हमें सिर्फ ड्रॉइंग से मिलेगी,
लोग बोलते हैं ना सर मेरी आइडेंटिटी नहीं मिल रही है, एक होता है ना कि सर कहीं पे कार्टून्स का काम देख लिया तो हाँ के सर का है, ये अगर उसका काम देख लिया जैसे ट्रेन दिख गई, ट्रेन ही ट्रेन खूब सारी, अरे विजय विश्वाल सर का, तो ये आइडेंटिटी कैसे क्रिएट होती है, ये खूब स्केचेस करने से, ऐसा नहीं कोई डायरेक्ट पेंटिंग करने से नहीं होती, अपनी आइडेंटिटी हमें ड्रॉइंग से मिलती है, तो दबा के ड्रॉइंग करनी है हमें, ठीक है। और किसी भी आर्टिस्ट को कभी भी रात को 2 बजे मैसेज करो, अच्छा आर्टिस्ट होगा रिप्लाई कर देगा, आई समझ में। 2 मिलियंस भी सब्सक्राइबर होंगे ना तो किस्मत पे, आपकी किस्मत पे फर्क पड़ता है, ठीक है, आ जाता है रिप्लाई। मैंने उन्हें किया था, क्या नाम है, मेरे साथ एक बार ये हुआ है, मैं मोस्टली मैं कर देता हूँ, मैं सोचता नहीं हूँ, मैं कमेंट कर देता हूँ, मेरे को लगता है कि किसी के काम को अप्रिशिएट करना चाहिए तो मैं कर देता हूँ, मैं अपने दिल की भड़ास वहां जाके रख देता हूँ कि आपका काम बहुत खूबसूरत है, आपको ये काम को देखकर मतलब हमें वो बहुत खुशी मिलती है। तो जिन लिम को मैंने मैसेज किया था, जिन लिम बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, चारकोल में मतलब जबरदस्त गजब, मतलब अंतर वो आदमी भोकाल है चारकोल के नाम है ना, उन्होंने रिप्लाई किया एंड थैंक यू सो मच हाथ जोड़ के, बढ़िया, मतलब आदमी कहाँ रिप्लाई देते कोई पता नहीं है, ठीक है। हाँ, और टीचर्स को मतलब ऐसा नहीं पहले से क्रिटिसाइज कर लोगे यार आता नहीं आता नहीं, पहले चूसो उन्हें तबीयत से, टीचर्स को जितने भी टीचर्स हैं, ऐसा नहीं है सारी फैकल्टी खराब होती है, किसी में कुछ ना कुछ सही होता है, ठीक है। तो टीचर्स के नजदीक रहो, क्या होता है कि गवर्नमेंट टीचर्स है ना ये जी हजूरी वाले ज्यादा होते हैं, है ना, तो जी हजूरी तो नहीं करवानी हमें, हमें ढोक दे के ऐसे काम नहीं करना, बट सर सिखाओ प्लीज। आप अगर सुबह 9 बजे आते हो, 9 से 2 बजे तक आपका काम है हमें पढ़ाना, 9 से 2 बजे तक का समय मांग रहा हूँ, 2:01 के बाद में आप कुछ भी करो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बट आपको पढ़ाना पड़े, है ना। तो जितने भी फाइन आर्ट्स कॉलेजेस हैं इनके हालात अगर खराब है तो स्टूडेंटों की वजह से खराब है, टीचरों की वजह से नहीं, टीचरों को मैं कभी ब्लेम नहीं करूंगा, है ना, बाकी अच्छा कर रहे हो। हाँ नहीं वो तो है ही, वो तो मैं, लेकिन बच्चे भी मैं कहता हूं ना, आदमी चाहे तो मुर्दे में जान फूंक दे, वो सीख के आएगा, मैं कह रहा हूं अगर टीचर को आप प्रेशराइज कर दो ना, आज उसको इतना फील करा दो, कल मतलब आज घर जाते ही रात भर सीखेगा, सुबह आके आपको सिखाएगा। मैं ऐसा ही था दीपक, मतलब सीरियसली मैं ऐसा ही था, मैं बहुत गंदा था। अकेले बंदा करेगा तो उसका वॉट लगा देगा, ग्रुप बनना चाहिए, चार पांच साथ में, नो डाउट ग्रुप तो चाहिए, अकेला आदमी कभी बनाया नहीं। MF हुसैन, SHRR, रजा, सुजा, ये जितने भी आर्टिस्ट थे ये अकेले नहीं बने, एक ही टाइम के आर्टिस्ट थे, सब साथ बने, है ना, ग्रुप जो पेड ग्रुप है, प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप वो ऐसे ही बने। तू मुझे माला पहना, मैं तुझे माला पहना, बात कहता हूँ दीपक जी, मैं दीपक जी, दीपक को दीपक जी बोलू, दीपक मुझे बोले केके जी, बस ऐसे ही तो बढ़ती है दुनिया, यही चल रहा है, ठीक है, हमारी जरूरत पड़े बताना, ठीक है, ठीक है, कभी भी कोई टेंशन मत लो। फाइन आर्ट के स्टूडेंटों को थोड़ा भरना पड़ता है, मैं रहता हूँ, मेरे को भर दो इसको, जरूरी है, अभी तो निकलेगा वहां पे कॉलेज में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कॉलेजेस हाँ बहुत रहा है, हमारा भी कोई खास नहीं रहा, बट रहा है ऐसे ही। नहीं नहीं कॉलेज में सब सी हम सब काम तो करना चाहते ही हैं, लेकिन वहां पे प्रोफेसर भी थोड़ा कर देते हैं, अगर आप ज्यादा क्लोज होते हो तो उनको प्रेफरेंस मिलता है, और नहीं तो फिर, और अकेले पड़ गए तो वाट लगाएंगे फिर। हम थर्ड ईयर के बच्चे ऑयल करना जानते नहीं, ऑयल की क्लास लग गई, लिंसिड ऑयल किस काम आएगा, ये कौन से काम आएगा, कुछ पता ही नहीं है, टर्पेंटाइन कुछ पता ही नहीं, कौन करवाएगा, तो हालात तो खराब होंगे, मास्टर्स को ही बोलना है, हालात तो खराब होंगे, यस हालात तो खराब ही है। नमस्ते सर। नमस्कार सर, मैं BFA फर्स्ट ईयर से हूँ। हेलो, कहाँ से सर आवाज आ रही है? सर मैं मनीष कुमार, गांव कलरखेड़ा, पंजाब से हूँ। अच्छा पंजाब से। अच्छा यस सर, सर आपने कहा कि ये वाटर कलर में शीट वेट रहनी चाहिए तो उस पे काम बहुत अच्छा होता है, तो मेरा क्या है कि इसमें कलर मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालते, तो उसका थोड़ा बताएंगे आप प्लीज। हाँ, जैसे इसमें मैंने बनाया मर्ज
ये हाँ, सर मैं इसमें बोलता हूँ ना, क्या हो हाँ रहा है, आपका कलर अगर मर्ज हो रहा है ना, तो होने दो कुछ पेंटिंग्स, एटलीस्ट 50 to 100। खाली कलर के थिकनेस पे ध्यान दो, पेपर कितना वेट है। अगर पेपर ड्राई है तो टी कंसिस्टेंसी यूज करो, मींस पूरा पानी पानी, छला छल छलाता हुआ कलर यूज करो। अगर पेपर वेट है तो कलर का कंसिस्टेंसी 90% रखो, एकदम थिक कंसिस्टेंसी रखो। अगर पेपर मॉइस्ट है तो कलर का कंसिस्टेंसी 50% रखो। अगर पेपर डैम्प है तो 30% रखो। तो वो पानी का कंट्रोल और पेपर का डैमनेस कोई आर्टिस्ट नहीं सिखा सकता है आपको, क्योंकि वो इनर फीलिंग्स होता है, वो इनर वॉइस होता है, वो आप नहीं बोलते, आपका माइंड एंड हैंड एंड आपका जो फीलिंग्स होता है ना, वो खुद ब खुद आपको बताता है कि अरे पेपर इतना वेट है, कलर लगा देना है, नहीं अब सही समय है। वो कोई नहीं सिखा सकता, वो आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, जब आपकी वो गर्लफ्रेंड बन जाएगी ना, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कब क्या करना है। अच्छा वेरी गुड, ये अच्छा बनाया, वेरी गुड। बनाया मैं तो गहराई से जानना चाहता हूँ। मैं हर वक्त ऐसा ही रहता है मेरा कि बस जो भी है दिल से बनाए रखो। मैं इस तरह से बहुत सी अच्छा पेंटिंग्स भाई, बनाता रहता हूँ। ये भी अच्छा हुआ है, कलर अच्छा है ये। जय लंकेश ऋषभ, जय लंकेश। लंकेश सही है। ये मेरा थोड़ा तो एक एक चैप्टर है ये, वो उसके लिए मेरे, जब भी मैं क्लास लेता हूँ तो एक चैप्टर ये लंकेश वाला, वो एनर्जी के रुको, उसे लिए बात, उसे पर्सनली पूछूंगा मैं। पर्सनली किसी से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मस्त सर ये मैंने चारकोल में काम किया है। मस्त वेरी भाई, गुड, अच्छा भाई काम। सर ये कुछ ऐसे ही प्रैक्टिस वाटर कलर में। ये हाँ, ये प्रैक्टिस को बढ़ा दो, और एक एक करके मत करो, एक साथ दो तीन एलिमेंट रख के करो। एक एक में आप कर लोगे, एक साथ दो तीन ऑब्जेक्ट रख के करो, तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे फिर। बिल्कुल ओके सर। अच्छा भाई, सर इसमें कुछ थोड़ा बताएंगे आप करियर के बारे में। ऐसे मतलब सभी कहते हैं कि मार्क्स के पीछे, मतलब मार्क्स आगे लेके जाते हैं अपने को। तो मेरा ऐसा है कि मैं जो भी बनाता हूँ ना दिल से बनाता हूँ, और बहुत टाइम लग जाता है मेरे को बनाने में। तो वो मार्क्स तो पीछे छूट जाते हैं, एक्सपीरियंस बहुत मिल जाता है उससे। तो उसके बारे में थोड़ा हाँ बताएंगे कि आगे नहीं, मतलब अपॉर्चुनिटी मार्क्स से मिलेगी या फिर एक्सपीरियंस से मिलेगी फिर। फ्रीलांसिंग करना है, अपना काम करना है तो काम बोलना चाहिए। अगर आपको जॉब में जाना है, टीचिंग करना है, कोई कॉलेजेस में दिखाना है, तो वहां तो भाई सर्टिफिकेट बोलता है सबसे पहले। आप कितना भी तोप हो, सर्टिफिकेट में थोड़ा प्रॉब्लम है, नंबर वगैरह, तो वहां पे थोड़ा दिक्कत होगा। अगर काम बहुत अच्छा है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। तो आपको दोनों देखना है कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है, खुद का काम करना है लाइफ टाइम, या फिर टीचिंग करना है। दो ऑप्शन है यहाँ पे। फाइनेंशियली जबरदस्त है, राजा रजवाड़ा के घर से हो, तब तो कोई टेंशन नहीं लेना, अपना काम करो मजे में। लेकिन अगर फाइनेंशियली है, आप दो भाई हो, या फिर फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं है कंडीशन, आपको सपोर्ट करना है पेरेंट्स को, तो आपको टीच तो करना ही पड़ेगा, वहां पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि कोई कितना भी बोल दे आपको एक बार कि प्रेम है करो करो, लेकिन प्रेम से पेट नहीं भरता है। जब पेट खाली रहेगा ना, तो खाली पेट भजन भी नहीं होता है, तो पापी पेट का सवाल है। तो सपोर्ट करने के अलावा कुछ ना कुछ कॉमर्शियल काम करना पड़ेगा, अगर घर का फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है। तो स्ट्रांग है तो आप खेलो जितना खेलना, कलर के साथ, पेपर के साथ, एक फ्रीलांसिंग करना, जो करना है आप करो। क्योंकि हमारे मन करने यस से, क्योंकि हमारे मन करने से सब कुछ नहीं होता, कुछ कुछ सोशली और फाइनेंशियली देखना पड़ता है वहां पे। सर, उसी का पूछ रहा था क्योंकि अरे एक तो यहाँ ना, पे ऐसा हो रहा है कि मैं एक चीज और बोलूंगा कि अभी स्टडी चल रही है, इन चीजों को लेकर ज्यादा परेशान मत रहो, ठीक है। कलाकार ये हो, भी बात सही दिमाग है। को थोड़ा खाली रखो, है ना, दुनियादारी से। मैंने कहा है दो दो तरीके के लोग बनाए ऊपर वाले ने, एक एकदम सही, नौकरी करके रिटायर करके दो बच्चे पैदा करके उनकी शादी करके रिटायर हो जाता है, ठीक है। एक होता है कमाल लाइफ कलाकार, है। कलाकार तो कलाकार इन सब चीजों से बहुत दूर है, हम बहुत परे हैं, हम भगवान के बहुत नजदीक है। मैं तो ये कहूंगा भगवान है, समझ रहे हो, भगवान ने हमें अलग से यस, शक्तियां दी हैं। पास छिड़क के वेदायत है, इतर छिड़क के वेदायत, जा तवाही लेकिन एक मचा। चीज बोलूंगा मैं, हाँ अगर कलाकार बनना तो बहुत चीज सेक्रीफाइस करना होगा। नींद से पार्ट टाइम पार्टी मस्ती फन जो भी करते हो, सबको बहुत सी चीजें, सेक्रीफाइस करना, बहुत सी चीजें। आसान नहीं होता है।
एक कभी कभी भूखे पेट भी सोना पड़ता है, अगर उसके लिए तैयार हो तो पूरा टाइम उधर दो। नो डाउट नो डाउट। और ये जो ना ये जर्नी जर्नी नीचे से लेके ऊपर लग्जरी तक हम क्रिएट करते हैं, ऊपर तक ठीक है, ये हम क्रिएट करते हैं। जिस दिन यहां से सोच लिया ना कि बनना है, साला बनना है, ये शब्द नहीं है, ये पिक्चरों में जो जितने भी डायलॉग पेलते हैं ना, ये किसी के अनुभव है, किसी अनुभव है लाइक इंसान के अनुभव है। वो शाहरुख खान बोलते हुए थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन हकीकत में उसके पीछे जिस आदमी ने लिखे है ना, वो ही जानता है इन शब्दों का असली मकसद, ठीक नवाजुद्दीन है। सिद्दीकी, पता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हाँ, कहाँ उनकी कैसा मदर ने, उनकी मदर ने कहा था 12 साल में तो कचड़ा का भी दिन पलटता, तू तो इंसान है था। तो आप बस काम करो, रगड़ के पलटेगा। बिल्कुल आएगा सर, आएगा, सब आएगा, बहुत मैंने करेंगे। सर मार्क्स कम आए थे, अभी तो पेरेंट्स बोल रहे थे कि आगे करेगा क्या, मार्क्स ही तो कितनी लेके जाएंगे परसेंटेज आगे। थी, कितनी परसेंटेज थी मुझे ये बताओ, कितनी परसेंटेज आई फर्स्ट ईयर में, हाँ ठीक है, बिल्कुल बताओ कितनी परसेंटेज आई सर, फर्स्ट फर्स्ट ईयर में? अभी हूँ तो वैसे ही जो नॉर्मली ये इंटायर वाले जो मार्क्स आते हैं ना, उसमें थोड़ा कम था औरों से, तो कंपेयर हो गया वहां पे, तो इसलिए मेरे को बोल रहे थे कि इसमें रंगों में कुछ नहीं पड़ा, ये तुम्हारा शौक है तो इसको कुछ पैसे कमाने की तरफ लेके जा, कुछ और भी साथ में कर, तो वहां पे मन नहीं लगता, वहां पे दिल टूट जाता है ऐसा, मतलब कि मैं अंदर से बनाता हूँ जो भी बनाता हूँ, और मेरी लाइंस होती है ना वो ऐसे फ्लो में चलती है, सभी कहते हैं कि बस फेंक रहा है, लंबी लंबी फेंक रहा है, बट वो जो अंदर वाली फीलिंग होती है ना, वो बहुत ज्यादा अपर लेवल की होती है, वो बाद में मैं खुद पढ़ता हूँ ना बिल्कुल उस मूड से बाहर निकल के, तो मेरे को भी लगता है अरे यार ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, नहीं, ऐसा नाम क्या कुछ है आपका? रहता मैं है। नाम नाम भूल गया, नाम क्या है? सर मनीष कुमार। मनीष, हाँ मनीष, ध्यान से सुनना इस बात को। पता है क्या है, ये जो ना ये प्रोमिसेज होते हैं हमारी लाइफ के जो हम खुद से करते हैं, ठीक है, आपको लाइफ, आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे या किसी अब्रॉड जाएंगे, ये आपका निर्णय है, समझ रहे हो, आप डिसाइड करते हो आपके बच्चे नीली ड्रेस पहन के जाएंगे, खाकी चड्डा पहन के जाएंगे या फिर किसी लग्जरी स्कूल में जाएंगे, ये सब हमारे हाथ में, आप कितने किस लेवल की मेहनत करते हो, बहुत मेहनत का कोई तोड़ नहीं है यार। मैं तो कहता हूं कि सबसे लोएस्ट मीडियम क्या है हमारे पास, पेपर और पेंसिल, कलाकार बनना है, यस सर, सबसे चीपेस्ट हमारे पास अगर क्या है, पेपर और पेंसिल, उस पर दुनिया भर यस का काम करो, सर, दुनिया भर का काम करो, दिखोगे और बिकोगे भी, नो डाउट, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लोगों ने बहुत अफवाह बना रखी कि कलाकार ऐसा, कलाकार ये वो, कलाकार खाने के भी पैसे नहीं हो पाते, कुछ भी नहीं है, खेलने वाले खेलते हैं, तबीयत से वही खेलते हैं, ना, वो जो भूखे मर रहे हैं वो हैं जिन्होंने ना तो अपनी स्टडी के टाइम पे दिया, और जब पढ़ चुके तो बाहर निकले तो बोर्ड पे अगर उनको, अगर टीचर भी लगे कहीं तो बच्चे ने बोला कि सर घोड़ा बनाओ, तो उनसे गधा नहीं बन रहा, समझ रहे हो, वो हैं इसलिए वो भूखे मर रहे हैं। सही अगर आप बात प्रबल है, हो गए, बस मतलब तैयार हो, तो किस चीज की दिक्कत है? कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब फालतू की ये सब मिथ है, ये सब मिथ है, इन चीजों पे जाना ही नहीं है, टेंशन नहीं लेनी फालतू, चाय अभी चाय देखो पियो, मौज करो, बात खत्म, चाय, और इंजॉय करो, जो ये जर्नी है, बीएफए एमएफए एक जर्नी है ना, ये बहुत प्यारी जर्नी है, इस जर्नी को इंजॉय करो सीरियसली, इसको ऐसे टेंशन में गुजार दोगे, ऐसे ऐसे करोगे कुछ नहीं है, बस परिस्थितियों, घर की परिस्थितियों के साथ में चलो, है ना, परिस्थितियों के खिलाफ नहीं, पापा 15,000 भेज दो, ऐसे नहीं चलेगा, होटलों में जाओ, मैं क्या करता था, होटलों में जाता था, एक कॉर्नर में सीट लेके बैठता था, पोर्ट्रेट बनाता था, 2-2 हजार रुपये एक दिन के कमाता था, और उस समय के 2,000 मतलब अखंड अय्याशी, समझ रहे हो, अखंड अय्याशी, सही बात है ना, और खुद तो करता था दोस्तों का, भाई मेरे मतलब बीएफए सेकंड ईयर में 1,800 रुपये चाय का पेमेंट जाता था बाहर, चाय की थड़ी पे, सेकंड ईयर में बाप ये स्वैग था, समझ रहे हो, क्योंकि तो दोस्तों को भी पिला नहीं, और मेरे पोर्ट्रेट अच्छे थे, तो कहीं पे भी जाना केके को लेके जाना, वो कॉन्ट्रैक्ट उठाते थे इधर उधर से, बर्थडे पार्टीज, इवेंट, शादी, ये वो फलाना ढिमका, मैं गधे के मतलब गधे की तरह काम करता था दबा के, और मजा आता था, सही मुझे फील ही नहीं होता था मैं काम कर रहा हूँ, फोकट के बात आपको मॉडल मिल रहे हैं, मजे हो रहा है, अलग ही बात है, बढ़िया बढ़िया खाना है, खाने को सही मिलता था, अच्छी अच्छी लोकेशन देखने को मिलता था, नहीं जिंदगी में तो हमारे घर में तो 4 टेंट ही लगे हैं, 4 से 5, उसी में शादियां हो गई है ना, बट बात वहां जाके देखा कि साला इतना पैसा भी खर्च होता है शादियों में, तो वही ऐसे ना, हैं आयाम, पैसे कमाने के आयाम बहुत है, एक कलाकार रोड पे भी बैठ जाए ना, शाम को 1,000 रुपये लेके जाएगा अगर अच्छा स्केच आता है तो,
बता रहा हूं मैं, एक आम आदमी का अगर, मैं उसकी रेट 50 रुपए भी रखेगा ना, तो आज लोगों को बड़ी ओछे ओछे शब्द लगते हैं कि रोड पे बैठेगा कलाकार, रोड पे मैं बैठ जाऊंगा, मेरे दिन खराब होंगे, मेरी अर्थव्यवस्था खराब होगी, मैं बैठ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हो गया पेट नहीं मरोगे कभी भी, टेंशन मत लो। इसलिए तो कह रहा हूं मैं एकेडमिक स्किल्स स्ट्रॉन्ग चाहिए, अकेडमिक पावर पड़ता है ना। हाँ सर, घर पे बताना पड़ता है कि इधर सुनो, लिसन लिसन लिसन, कन्वेंसिंग पावर ये आपकी है, आपको किस तरीके से कन्वेंस करना। बचपन में रोड पे फंसर जाते थे ना, चाहिए 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 चाहिए, फंसर जाते थे, वो ही कन्वेंसिंग पावर है। एक लड़की होती है अपने बॉयफ्रेंड को, बेबी कन्वेंस, फर्स्ट स्टेप, सेकंड बेबी ये, और फिर बोलती है, फिर वो हो जाती है थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी, फिर बॉयफ्रेंड हो जाता है, फिर वो दिलाएगा। हाँ, तो ये है कन्वेंसिंग पावर, आपको कन्वेंस करना। आपके माँ बाप को मैं नहीं जानता, सर भी नहीं जानते, और ना ही शिवम जानता, ठीक है, उनको कन्वेंस करना आप ही के हाथ में है और आप ही करेंगे। कोई मायका लाल पैदा नहीं हुआ, आप पूपा जी को बुला लाओ, जीजा जी को बुला लाओ, ना ट्रस्ट आपको दिलाना है। आज मेरे माता पिता को ट्रस्ट है मैं दारू नहीं पीता, मैं मतलब मैं वीडियो कॉल भी कर दूं अचानक, और मेरे दोस्त लोग बैठे, मेरे दोस्त लोग पीते हैं, मैं उनका अरेंजमेंट भी करता हूं, आते हैं, मैं उनकी सेवा पानी करता हूं, दारू पानी वगैरह मटन वटन सब चल रहा है, ठीक है। मैं वीडियो कॉल कर दिया अचानक से, वीडियो कॉल करके मैं रिसीव कर लेता हूं, मैं काटता नहीं हूं, कैसे फोन आया, कैसे फोन, मैं रिसीव करता हूं, बोलता हूं कि दोस्त लोग पी रहे हैं, ये हो गए, ट्रस्ट है ना, ऑनेस्टी, सही बात है, सही ऑनेस्टी। तो ये किसने दिलवाया, मैंने दिलवाया, शक्ल वेले मेरी ऐसे लगती हो कि चरस गांजा आराम से फूक दूं दबा के, लेकिन नहीं पीता तो नहीं पीता, तो ट्रस्ट वाली बात है, ठीक है सर। स्पोर्ट तो पूरा है, मैं तो पूरा है, एक मिनट सर कुछ बता रहे हैं, दीपक सर कुछ कह रहे हैं, दीपक सर कुछ कह रहे हैं, हाँ मैं बोल रहा हूँ, 1 मिनट में मैं वापस आ रहा हूँ चार्जर लेकर के, बस जरूर जरूर जरूर, हाँ आप बोलो आप बोलो। सर मैं कह रहा था स्पोर्ट्स पूरा मिलता है स्पोर्ट कि हाँ, तो रंग से खेल, जितनी मर्जी सीट्स बर्बाद कर दे, चाहे बना ले कुछ भी कर, बट आगे का करियर मेरे को बता दे एक बार कि कहाँ पे स्टैंड होगा तुम, तो वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आगे का करियर नहीं पता मेरे को। बीएफए करो, एमएफए करो, बीएफए एमएफए पास कर लो, ठीक है, बीएफए हो गया एमएफए हो गया पास कर लो, अच्छी स्किल्स अच्छा काम सीख लो, इसके बाद कहीं ना कहीं टीचर तो लग जाओगे, 30 से 35-40 हजार तक की नौकरी तो मिलेगी ही मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में इतने फाइन आर्ट के टीचर नहीं है, खूब रोते फिर रहे हैं दुनिया भर के, सबको क्रीम चाहिए, सबको क्रीम चाहिए, समझ रहे हो, किसी को वो नहीं चाहिए। हाँ, 10 रुपए की चाय एक इधर वाला भी बनाता है, 10 रुपए की चाय एक इधर वाला भी बनाता है, भीड़ किसी एक ठेले पे होती है, यस सर, तो अच्छे वाले के पास दुनिया जाती है, तो आप अच्छे वाले बनो, आपके पास दुनिया आएगी, समझ रहे हो, यस सर। दुनिया भर के जॉब है, ऐसा नहीं है, स्कूल में खूब जॉब है, खूब जॉब है। तो ये है पहला जॉब, सरकारी लगना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी डीएसएसबी की, नवोदय की, लास्ट वाला आप मेरा सेशन देख लें, उसमें पूरा है, सरकारी कॉन्सेप्ट है, मैंने 2 सरकारी आदमी बुलाए थे उसमें, नेट जेआरएफ पीएचडी वाले, ठीक है, लास्ट वाला मेरा सेशन देख लेना, सिद्धार्थ वगैरह के साथ, सिद्धार्थ वदावा के साथ, सिद्धार्थ भी था और क्या नाम था, बिन्नी थी, बिन्नी के साथ, तो आप वो वाला सेशन देख लोगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा माइंड में, ठीक है। और जर्नी पता है क्या, आर्ट की जर्नी में कोई पता नहीं है, मैं आर्टिस्ट सोच के निकला था, टीचर बन गया, ठीक है, लेकिन आज भी आर्टिस्ट ही कहलाना पसंद करता हूँ, चलो टीचर तो बन गया, मुझे अच्छा लगने लगा पढ़ाना, मुझे अच्छा लगना, मुझे मुझे बाद में बच्चों ने एहसास दिलाया कि नहीं सर आप बोलते हो तो अच्छा लगता है, आप बोलते हो तो ऐसा लगता है एनर्जी सी मिलती है, तो आप बोलो बस, आप पढ़ाओ। यस सर, ये मैंने फील किया, मैं आपके सेक्शन देखता रहता हूँ, मेरे को खुद को फील होता है, मैं ऐसे ना आपको देख के मेरे को ऐसा हुआ कि बस मस्ती में जियो और कुछ भी नहीं है, तो बस यही करना है ना, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है, चलो बाबा, है ना, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच सर, वेलकम वेलकम। हेलो सर। हेलो शिवम, कैसे हो? आप तो वाटर कलर वाले आर्टिस्ट आए हैं, तो दबा के क्वेश्चन पूछ, है ना, आ जाए एक बार, दीपक सर आ जाए, है ना, फिर हेलो मुकेश, तू बड़े मुकेश कमेंट सेक्शन में बड़ी देर से बोल रहा है, भैया भैया लव यू टू, लव यू टू। एक्चुअली सर, मैंने आज सेशन भी पूरा नहीं देखा, एक्चुअली हम लोगों का भी एक वो वर्कशॉप था वाटर कलर का, तो वहां पे गया था, अभी लौटा हूँ, तो थोड़ा सा देखा था, बैठे नेटवर्क का थोड़ा सा वो था, तो सर ने तो बहुत अच्छा है, मतलब वार्म टोन फुल टोन का बहुत अच्छा। नहीं, आप दीपक का काम देखें, दीपक सर का काम देखें, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत।
एक है ना, सर बहुत मैं कुछ भी, सीखने को मिलेगा। मेरा नेटवर्क आज सही है सर? हाँ आज ही सही है, अदरवाइज हमेशा कचक कचक होता है। दीपक मेरा कुछ, मैं सर को दिखा देता हूँ। सर आप काम देखें, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, है ना, काम देखें। हाँ हाँ पक्का पक्का, मैं आ गया, मेरा चार्जर भी आ गया मेरे पास, अब कोई टेंशन नहीं है। ये रिसेंटली बनाया हुआ है। 1 सेकंड, आपका नेटवर्क बफर कर रहा है। अच्छा हुआ ये। हाय मंजू भैया, हेलो। दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है, ये येलो थोड़ा ज्यादा हो गया बस थोड़ा सा। हाँ ये फ्लो में कुछ ट्राई कर रहा था पेपर का, और बट अच्छा हुआ, गुड। आप कौन से ईयर में हो? मैं एक्चुअली आर्ट कॉलेज से नहीं हूँ, मेरा प्लेन ग्रेजुएशन चल रहा है, बीएससी ऑनर्स थर्ड हाँ ईयर। हाँ साइंस डिपार्टमेंट। हाँ समझ गया। तो ये आज एक वर्कशॉप था हमारा कोलकाता पे, तो वहाँ पे कुछ बनाया था ये वाला, आज ही बना। मैं अभी लौटा हूँ घर, तो सर का लाइव चल रहा था, तो जैसे ही सर का लाइव आता है तो ज्वाइन हो जाता है। ये भी वहाँ पे बनाया था वर्कशॉप में, एंड ये भी अच्छा हुआ। ये भी वर्कशॉप में ही बनाया था। किसका वर्कशॉप था ये? अचिंत्य हजरा लोग से, उनका था क्या सर लोग का? सभी सभी का, शरद सर, अचिंत्य हजरा सर, यस राइट। जानता हूँ जानता हूँ, सबको बोलो ना। हाँ आज था वो, तो बूंदी से होके आए, हाँ। रिसेंटली बूंदी से होके आए। थैंक ये भी अच्छा हुआ। यू सर। इधर भी है, दिखाओ ये मेरा दिखाओ। सा स्टूडियो है, बोर्ड वगैरह रखा है, एंड ये कुछ फिगर स्टडीज। अच्छा हो जा रहा है। एंड्रयू ल्यूमस को स्टडी कर लो आप। हाँ लूमिस, एंड मैं अभी वो क्या है ना, क्या उनका नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, आदित्य चारी, आदित्य चारी, नहीं वो फॉरेन है, फॉरेन का अरे मिक्कल करके एडवर्ड कुछ नाम एडवर्ड है। एडवर्ड करके है एक। नहीं मिचेल हैम्पटन, हैम्पटन हाँ मिचेल हैम्पटन। हाँ मिचेल हैम्पटन, हाँ सही बोला उनका मिचेल, टेक्निक मेरे को याद था, टाइटल भूल गया था बस मैं। थोड़ा सा और इजी लगा मुझे एनाटॉमी के पर्पस में, तो उनका थोड़ा सा स्टडी कर। नहीं सही है, गुड। ये मतलब कि खड़ा होके बनाना पड़ता है, बोर्ड है लगा पूरा बड़ा। नहीं अच्छा है ना। इधर कुछ रैपिड्स भी किए हुए हैं वेरी गुड, सर जी, कैसे? बढ़िया बढ़िया, बेहतरीन अच्छा बेहतरीन, 1 नंबर। सर जा, जयलंकेश दीपक प्रणाम सर प्रणाम। तो प्रणाम, ऐसे ही बहुत सारे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा जा रहा है मेल फिगर में एक हल्की सी आप। दिक्कत है कि फेस के अकॉर्डिंग ना नीचे से जाके चीज छोटी हो रही है, हल्की सी, ये मैंने अभी है ना थोड़ी सी नोटिस की है, नीचे जाके वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है पहले वाले अच्छा, स्केचेस। हाँ थोड़ा सा ना, बाकी ठीक है। 7 में खत्म हो जा रहा, 7 में ही खत्म हो जा रहा, 7 एंड हाफ में हाँ खत्म कर रहा सेवन हूँ। एंड हाफ में, हाँ कर लें कर लें, है ओके सर, ओके ओके। तबाही ना, बाकी तबाही मचाओ, बढ़िया अच्छा कर रहे हो। हाहाकार भी, हाहाकार भी मचा। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, है ना शिवम। थैंक यू। सर क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था हाँ 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 पूछो पूछो, दो पूछो। सर। एक्चुअली क्या होता है कि मैं तो बहुत दिनों से वाटर कलर कर रहा हूँ एंड लैंडस्केप कर रहा हूँ, तो अभी क्या हो रहा है कि मुझे ना ग्रीन, मैं गांव में रहता हूँ, विलेज स्केपेस करता हूँ, तो ग्रीन कलर से थोड़ी सी एलर्जी होने लगी है। मतलब कि दूसरे में कुछ ब्लू कलर्स एंड कुछ मतलब कि ब्राउन एंड अल्टामेरिन वगैरह यूज कर रहा हूँ, बट जैसे ही मैं सैव ग्रीन डालता हूँ ना पेंटिंग में एंड ट्रीज में ज्यादातर, तो मुझे देखो लगता है कि वो नहीं जा रहा है। मतलब ग्रीन को कैसे, किस कलर से रिप्लेस करें, ये क्वेश्चन मैं सभी को करता हूँ, मुझे कोई बोलता हूँ एक्चुअल मैं, सॉल्यूशन ग्रीन के साथ नहीं। प्रॉब्लम क्या है ना, प्योर कलर ग्रीन का प्रॉब्लम मैं खत्म कर देता हूँ। प्योर सैप ग्रीन यूज मत करो ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, कभी कभी सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में वो प्योर ग्रीन्स होते हैं, अगर वो सैप ग्रीन यूज करना है तो थोड़ा सा येलो अगर मिक्स करो, आइदर अच्छा ऑरेंज मिक्स करो, वो भी नहीं है तो बर्न सियाना हल्का मिक्स करो, बट डायरेक्ट सैप ग्रीन ऐड मत करो। अगर सैप ग्रीन नहीं भी है उसको भी हटा दो,
पेंस ग्रे के साथ गैम्बोज यू मिक्स करो अच्छा ग्रीन मिलेगा, अल्ट्रा मरीन के साथ मिक्स करो अच्छा ग्रीन मिलेगा, डायरेक्ट ग्रीन अवॉइड करो क्योंकि इंडिया का जो क्लाइमेट है कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस है जहां पे वो प्योर ग्रीन्स दिखते हैं लाइक बेलगम गोवा साइड, जो कोस्टल एरियाज है ना वहां पे ब्राइट ग्रीन्स दिखते हैं लेकिन जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं वहां पे वो ग्रीन्स नहीं होते हैं, एक्चुअली वहां पे सब सटल ग्रीन्स होते हैं, सूदिंग ग्रीन्स जिसको बोलते हैं। आप सेरुलियन के साथ, अल्ट्रा मरीन के साथ, ऑरेंज के साथ गैम्बोज यू मिक्स करो, बहुत मस्त ग्रीन मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद येलो ओकर के साथ ब्लैक मिक्स करो, मस्त ग्रीन मिल जाएगा। वेरिडियन भी बहुत लोग बोलते हैं, वेरिडियन इंडिया के क्लाइमेट में वेरिडियन दिखता है बट वेरिडियन थोड़ा आर्टिफिशियल ग्रीन है, मुझे तो वो एकदम से अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं, नहीं एकदम से सी एक चीज बोलो, कभी भी किसी चीज को डायरेक्ट नकारा मत करो, मेरा मतलब ऐसा मेरा ओपिनियन है, आप कर सकते हो वैसे बट ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, डायरेक्ट किसी भी चीज में नेगेटिविटी खोज लेना आसान है लेकिन कोई भी चीज पूरा 100% गलत नहीं है सिस्टम में ना, पूरा सही है, तो आप वहां से जो बेनिफिट ले सकते हो उसको अडॉप्ट करो क्योंकि यहाँ कुछ भी अच्छा कुछ भी बुरा कुछ भी सही कुछ भी गलत नहीं है, तो उसमें से जो प्योरिटी है उसको अडॉप्ट करो। वेरिडियन यूज करना बहुत सही है, वेरिडियन में बर्न सियाना मिक्स करो जबरदस्त ग्रीन मिलेगा, उसके उसके साथ थोड़ा येलो ऑकर मिक्स करो तो मस्त मिलेगा, और अगर सटल ग्रीन चाहिए तो ब्लैक में येलो मिक्स करो, ब्लैक ये में जितने येलो हैं, हाँ ब्लैक में येलो, आपको अलग अलग वेराइटीज ऑफ ग्रीन और प्योर फ्रेश ग्रीन मिलेंगे। अभी सर मैं थोड़ा सा ऑलिव के साथ काम कर रहा हूँ, मतलब कि रिसेंटली यूज कर रहा हूँ, तो मैं ज्यादातर सैफ के साथ जा रहा था, तो ऑलिव एंड सैफ मुझसे सिर्फ ऑलिव क्या थोड़ा ज्यादा हॉट है, मतलब हॉट टोन में जाता है। दोनों के साथ पूरा मत जाओ, दोनों के साथ पूरा मत जाओ, बीच का रास्ता खोजो क्योंकि ऑलिव भी थोड़ा सा ना बहुत ज्यादा वो कभी कभी ब्राइटनेस होता है, तो आप मिक्स सी एक चीज बोलता हूँ, 3 प्राइमरी कलर्स को हैंडल करना सीख लो आपका पेंटिंग कभी डल नहीं होगा, ये मेरा गारंटी देता हूं मैं इस चीज का। रेड येलो एंड ब्लू में मास्टरी हासिल करो, आपको हर कलर मिलेगा, हर कलर फ्रेश मिलेगा, हर कलर का एक अलग फ्रेशनेस मिलेगा, प्राइमरी कलर्स पे कमांड करो, रेड येलो एंड ब्लू। इस एक काम करो, एक पेपर खरीद लो, एक बड़ा चार्ट पेपर, उसको ना रेड येलो ब्लू को मिक्स कर करके देखो, आपको गारंटीड देता हूँ 3 कलर हैंडल आ गया ना, आप कोई अदर कलर चूज करना बंद कर दोगे, टच भी नहीं करोगे फिर आप, ठीक है। और डायरेक्टली ग्रेस की तरफ भी मत भागो, सब चीज को एक्सप्लोर करो, जर्नी इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा झक मार के, तो जर्नी पे ध्यान दो। अभी क्या है ना कि मुझे अल्ट्रामेरिन का ज्यादा पता नहीं था, इससे पहले मैं पुशियन एंड कोवल्ट से कर रहा था, तो अल्ट्रामेरिन मुझको जैसे ही मिला ना तो मेरा कलर पैलेट का वो नक्शा ही बदल गया। और इन्फ्लुएंस होते हैं हम लोग, इन्फ्लुएंस होना अच्छी बात है लेकिन आप थोड़ा सोचना कभी भी किसी चीज को अडॉप्ट, क्योंकि हम लोग ना सही चीजें जल्दी नहीं सीखते लेकिन गलती बहुत जल्दी सीखते हैं, अच्छी बातें सीखने में सालों लगती है, गलतियां सीखने में, गाली सीखने के लिए स्कूल गए थे प्रेम करने के लिए सीख लिया ना तो अच्छी चीजें सीखने में समय लगता है, तो उसमें आप ऑब्जर्व, क्योंकि हम ना अच्छी चीजें सीखने के चक्कर में गलती उठा के घर आ जाते हैं, तो उस चीज पे ध्यान देना, अलर्ट रहो, मैं नहीं बोलता कुछ, सिर्फ अलर्ट रहो, एक्टिव रहो, देखो किसी भी चीज को ध्यान से, सही है लो एक्सपेक्ट, और कभी किसी पे विश्वास मत करो कि ये बोला तो सही होगा, जब तक आपके लाइफ में यूजफुल नहीं है तब तक विश्वास कभी नहीं करना है, कभी भी नहीं, क्योंकि हर किसी का पर्सपेक्टिव, हर किसी का देखने का तरीका अलग है। अगर मोटा आदमी आके एडवाइस दे पतला होने का, कहे कितना भी अच्छा, मैं नहीं विश्वास करूंगा, पहले तू हो गया फिर बता मेरे को। चलो बढ़िया है ना, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सर, थैंक यू। एक और लास्ट कॉल ले लेते हैं अपन। किसी का ब्लैक कलर वाटर कलर में यूज नहीं किया जाता है, कर सकते हो ना, ब्लैक करना है, ब्लू करना है, जो है सब यूज करो। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो मंजू सर, हेलो 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 मंजू भाई, कैसे हो? आपका वॉइस नहीं आ रहा है, आपका वॉइस नहीं आ रहा है, लीड को हटा दो, रिमूव कर दो उसको,
नाउ हाँ अभी आ रहा है नाउ कैन हियर मी क्या हियर मी नाउ या या सुपर सुपर नाइस टू सी यू हियर अरे नाइस टू सी यू सी यू की हाउ आर यू वेरी गुड हाउ आर यू So that's very important. See, the people doesn't know, like sometimes you are giving good such a guidance everybody. So thank super. you. Very well. अरे नहीं आप आ गए ये मेरे लिए बहुत thankful है आप ज्वाइन किए हो अरे आप तो आप See, some artists like honestly I'm telling people yeah. are not sharing some like those who are doing some different techniques and colors even you are You are explaining, including the color scheme, which color we need to mix, which color like perfect to everything you are explaining, no? Even Vishnu sir, I first time I am seeing you. The portrait is too good. I have I just went through your like a page. I like the gray one, like super one. It's very good. You are from Mumbai? No, I am from Jaipur. Jaipur, okay. Rajasthan. Because of lockdown, I stopped to coming that Jaipur because I was planning to come to Jodhpur. Okay. So my upcoming show is Blue City. Okay. So like I'm it's going when on. You like, going? When you were going? When you were going? No, I didn't plan, but because of this corona, no, like I'm not planning. Very so bad. Very bad. Corona B.Tech करने आया है. अभी third year में. Seriously. Okay. My show is coming like June 3rd. June 3rd. Okay. Where it is so? Where is your show? In Bangalore only. Oh, Bangalore, great na. One man show. One man show or group? Yeah, I know, but we have already planned for a group show. So I told you to make one portfolio. So I'll introduce some galleries are here, like those who are displaying watercolor works. They really like watercolor works. They are looking at like different artists. Wait, I will send you my PDF. Pakka Manjuba. I'll send you tonight only. I can make your biodata and some like at least 10 works should be there. So you can send me and I will directly send it to the gallery. If they really liked it, and I will give them your directly to your number. yes, you know, what kind of work you want? Only skies are mixed. Skies, okay. I'll send you, definitely I'll send you. Make it like minimum artworks, okay? Yeah, minimum 10 I will put, good ones. Yeah, if they really liked it, you can come to directly with your artwork, original work. We can interact with the gallery, buyers, and, like gallery curators. So they introduce... If you were there, no tension for me. You can come see because so we met in Hampi only. I met you here in your show also, last second show in that new gallery. I don't know the name. Reeves Gallery. Reeves, yeah. If COVID is not there, 100% I will be there. I want to combat this COVID. Even the it's good time to do some beautiful artworks. we are investing their time only in the paintings. Good sir. Yeah. Krishna sir. Huh. Tell me about yourself, sir. I didn't know Krishna sir bawal hai. Bawal hai. अपने बारे में क्या बताऊँ? बस कुछ नहीं, एक छोटा कलाकार हूँ. जयपुर से belong करता हूँ मैं, राजस्थान से. एंड अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ फाइन आर्ट कॉलेज के अंदर. सुपर. और अपना यूट्यूब चैनल वगैरह, थोड़ा कोशिश है बच्चों को फ्री में पढ़ाने का, बच्चों को एक्सप्लोर करने का. जो बच्चे मतलब पढ़ नहीं पाते, फीस सबमिट नहीं कर पाते, तो पूरा अच्छे से पढ़ाने के लिए. और इंस्टाग्राम पे एक्सपर्ट्स को लाइव लाता हूँ ताकि अलग अलग चीज सीखने को मिले, क्योंकि मैं उतना ही सिखा सकता हूँ जो मुझे आता है. इसलिए मैं हर तरीके का एक्सपर्ट लाता हूँ और बच्चों के साथ में लाइव इंटरेक्ट करवाता हूँ ताकि वो उनसे बातचीत कर सके थोड़ा सा, क्योंकि शाई होते हैं बच्चे जो आजकल के, जो जितने भी निकल रहे हैं, जो बड़ा एक कलाकार बड़ा शाई होता है, तो बातचीत बहुत जरूरी है. सही बात है. इस चक्कर में तो कोशिश है. तो हमारे दीपक जी बहुत अच्छे कलाकार हैं, गर्म खून है, उभरते कलाकार है. Seriously. We'll meet soon. मंजू भैया, we'll meet soon. Don't worry. You told me I'm sending the work.
and yeah, make the portfolio, and even you also make it, sir. Like, let me see yeah. that. If you want, if you want to display your artwork to Bangalore, you can do some more. Because I know some of the galleries are here, so we'll say we help each other. That is the main thing. Like, bilkul. Hearing and sharing. bilkul. So, thank you so much. Aap aaye. Thank you. To see you. Okay. चलो बढ़िया, बहुत खिंच गया मामला. 11 बजा दी हमने, 11 से ज्यादा क्रॉस कर दिया. सो मुझे लगा नहीं था हमारी इतनी बातचीत हो जाएगी. और वो है ना कि कोई ज्वाइन करना चाहता है. कौन है? सुनम सौरभ आर्ट्स, आई थिंक सो. कोई दीपक भाई, आई आल्सो वांट टू टॉक टू यू. ओके करता हूँ. हाँ देखिए उसका कलाकार नहीं लॉगिंग इंटरव्यू एवरीथिंग. ओके हेलो दीपक भाई, कैसे हो आप? मस्त हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया. अरे सही है, पता है मैं आपको फॉलो करता दीपक भाई, आपका काम बहुत पसंद था. थैंक यू. बिल्कुल लास्ट टाइम में मेरे को एंड में पता लगा कि आप रांची से हो. अरे आप कहाँ से? रांची से हो आप? रांची से हूँ. रांची में कहाँ से हो? रांची में लालपुर से. वर्धमान से. अरे पूरा इंडिया अपना ही है वो तो. जी चलो बढ़िया. कल सुबह की चाय के साथ होगी. हाँ क्या सर? कल सुबह की मतलब कल सुबह की चाय फिर साथ होगी. हाँ नहीं मैं पुणे में हूँ लेकिन ना. हाँ अभी तो रहता हूँ, अभी तो पुणे में. हाँ अच्छा तब तो नहीं हो पाएगी. हाँ मैं रांची आते रहता हूँ तो मिलते हैं फिर और क्या. हाँ तभी तो मैंने एक दिन देखा था, मुझे लगा ये जगह जगह भी जाना पहचान लग रहा है. मैंने फिर अच्छे से स्टडी किया दीपक भाई आपके बारे में. अरे रे थैंक यू. मैं 27 तक मैं रांची में था. 27 दिसंबर तक मैं रांची में था. अच्छा थैंक यू. जनवरी से मैं यहाँ पे क्योंकि मैं नेशनल मतलब वाटर क्लब में आता हूँ, नेशनल पेंटिंग कॉम्पिटिशन होता है, तो उसके बाद से फिर मैं अभी पंजाब में हूँ. जनवरी के बाद से आया मैं. अच्छा आप पंजाब में हो अभी? हाँ अभी पंजाब में. अरे वाह सही है, कीप डूइंग गुड वर्क्स. धन्यवाद भाई, बस दुआ है आप लोगों की, आपसे काफी इंस्पायर होता हूँ. बस प्रैक्टिस भौकाल मचा देना एकदम. अरे ऐसा ना दीपक भाई, ऐसा है ना कि अपना क्या था, कोर्स था बायोटेक, ठीक है? तो हमने बायोटेक का मास्टर्स भी कर रखा है लेकिन पूरा डिपार्टमेंट छोड़ दिया हमने. एक मिनट बस, इनसे फ्री हो जाए फिर आपसे बात करते हैं ना. एक मिनट. हाँ आप बोलो. बलिया बलिया आप बोलो. अच्छा हाँ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी सर. मेरा नाम शिपा है. और एक मिनट पहले उनसे बात करते हैं पहले. हाँ है ना, उनको फ्री कर दे. तो बायोटेक में मास्टर्स था मेरा. अचानक से मेरा मन इंटरेस्ट इतना ज्यादा, फाइन आर्ट्स में इंटरेस्ट इतना ज्यादा, वो खासकर वाटर कलर में, बायोटेक ही छोड़ दिया मैंने, जॉब भी छोड़ दिया. अरे बाप रे बहुत. बस अब कोशिश है कि बहुत बड़ा है मेरे लिए, बहुत बड़ा फैसला क्या बोल सकते हैं कि हाँ एक स्टेप है बहुत बड़ा. नो नो डाउट, वो इजी नहीं होता जो आपने डिसीजन लिया, बहुत डिफिकल्ट होता है. और अभी तो बस ऐसा है कि बस कुछ कमीशन वर्क आ जाते हैं पोर्ट्रेट के, तो उसके कारण चल रहे हैं. अच्छा वरना बहुत मुश्किल है. आर्टिस्ट उसी में खींच रहा है अभी. सही बात है. और सर आपके बारे में, सर आज ही हम देखे हैं कृष्णा, आप जो भी हैं कृष्णा, ठीक है, आपके बारे में भी आपने बताया कि आप राजस्थान से हो. तो सॉरी उतना भी जानते हैं आपके बारे में. कोई दिक्कत नहीं. तो अभी आए थे तो सुनते बात. अच्छा हाँ दीपक भाई एक बात, बस 2 मिनट दीपक भाई. हाँ बोलिए. आपने मतलब फाइन आर्ट्स ही कर रहा है? हाँ बोलिए ना, आपका क्वेश्चन नहीं सुना. फाइन आर्ट्स ही कर रहा है? हाँ नहीं, मैं फाइन आर्ट्स मतलब बचपन से मैं सिर्फ पेंटिंग ही कर रहा हूँ. अच्छा लाइक 18 इयर्स से मैं पेंटिंग कर रहा हूँ. अच्छा क्योंकि आपकी मैं खास कर देखता हूँ, आप ज्यादातर मिलिंद सर के साथ ज्यादा होते हो या वर्कशॉप में या फिर. हाँ नहीं उन्हीं के साथ ही रहता हूँ पुणे में. अच्छा अभी लास्ट 5 ईयर से उनके पास हूँ, उससे पहले प्रवीण सर, फिर उससे उसके साथ राजेश सर, सबके साथ. ओके तो उनसे मैं लर्न कर रहा हूँ.
जितना ज्यादा मिले ज्ञान उतना कम है। इसमें से मैम की बात सुन ले थोड़ा सा। जरूर जरूर, एक्चुअली के थैंक यू, ट्रैफिक थोड़ा सा वो हो जाता है, तो बस आपसे अलविदा लें तो फिर मैं फिर उनको ऐड करूंगा ना, मतलब ओके 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 है ना, गुड बिल्कुल ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच दीपक भाई, थैंक यू। हेलो मैम, हेलो, कैसे हो आप? जी मैं भी रांची से हूँ। रांची कहाँ से आप? मैं रांची बेसिकली पटेल चौक है वहाँ पे, वहीं से। हाँ जानता हूँ जानता हूँ, मेरा चाइल्डहुड पूरा वहीं गुजरा है। जी मैं वहीं से हूँ, अभी मैं बैंगलोर में रहती हूँ। अच्छा अभी बैंगलोर में रहते हो आप? जी जी सही है। एक्चुअली मैं भी अभी ना आर्ट वर्क ही बना रही थी सर, के आर्ट वर्क मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर फिगरेटिव आर्ट, सो मैं कुछ थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ। जरूर जरूर जरूर। ये पेंसिल कलर में है? जी 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 ओके वेरी गुड, जस्ट आज ही मैंने स्टार्ट किया। मस्त है, वाओ स्किल तो सुपर है आपका। हाँ अच्छा कर रहे हो, थैंक यू सो मच। श्री कृष्णा माखन गिरा दिए तो लफड़ा खूबसूरत। आप ड्राइंग खुद से करते हैं, मतलब ग्रिड सिस्टम से करते हैं या फ्री हैंड करते हैं? फ्री हैंड जैसे स्टिल लाइफ वगैरह होता है उसको मैं फ्री हैंड करती हूँ, लेकिन जो पोर्ट्रेट वगैरह होता है मैं उसको ग्रिड पे बनाती हूँ सर। ओके जी। एक चीज बताऊं, ये जो नीचे जो साड़ी एंड करी है ना ऐसे जी जी है ना, तो ये एकदम क्रोप सा लग रहा है, देख लो एकदम कटा हुआ था पेस्टिंग। तो कोशिश करो नीचे जाते जाते ना, जैसे यहाँ से शेड अच्छा खासा आ रहा है, नीचे जाते जाते बिल्कुल उसको हल्का कर दो, है ना, मर्ज कर दो जी। ओके ओके, मतलब वो ब्लर जैसा, ब्लर जैसा इफेक्ट, वो ऐसा लगे कि वो पेपर में से ही निकल रही है, पेपर का ही एक अंश है ना, वो फिगर पेपर का ही एक अंश है, ऐसा लगना चाहिए। ओके मैं नेक्स्ट में जरूर ट्राई करूंगा। जरूर ओके, ये सारे चारकोल वर्क है। सही है, अच्छा हुआ। टेंशन में सदगुरु इस बार बस ये अच्छा हुआ, काम तो अच्छा है, काम तो अच्छा है, वेरी गुड। वर्ड का थोड़ा ड्राइंग आई थिंक सो, ऐसा लग रहा है बड़ा अच्छा है, बहुत वायरल वाला फोटो है ये। हाँ मस्त है, मैंने कुछ वाटर कलर भी किए थे। ओके गणेशा अच्छा हुआ ये, वाटर ये फ्री हैंड वाटर कलर है कि टेम्परा है? ये वाटर कलर है। अच्छा पता है वाटर कलर को जब भी फ्रेम करवाओ ना, तो पता है कोशिश करो व्हाइट ही करवाओ, व्हाइट में भी बॉक्स स्प्रे, व्हाइट में भी बॉक्स स्प्रे है ना। ओके वो सब निकल के आता है, कसम निकल के आता है, उसके आसपास फिर कुछ ही नहीं होता, वो फिर वो काम ही दिखता है। और ये मैंने ऑयल पेंटिंग की थी। अच्छा साई जी, अच्छा काम है, कहीं से किसी इंस्टीट्यूट वगैरह से सीखा है कैसे किस तरीके से? ये मैंने लॉकडाउन में खुद से आप लोगों के काम को देख देख के सिखाया सर, और कुछ नहीं। अरे वाह गजब, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू सो मच सर, और भी बहुत है लेकिन सब इधर उधर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत गजब, अच्छा बस करते रहे इसी तरीके से। बस बचपन से एक यही हॉबी अभी तक यही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ सो बस। नहीं अच्छा कर रहे हो, देखो होता है हो भी भाई किस लेवल की हो भी है, ठीक है इतनी सी हुई हल्का कर लिया ठीक है, बट बहुत अच्छा है ना, एग्जीबिशन एग्जीबिट कर सकते हो आप, उस लेवल का है, बस पेपर का साइज थोड़ा सा बढ़ाओ है ना, जी, पेपर जी, का साइज बढ़ाओ, A1 पे आओ तो और मजा आएगा एग्जीबिट करने में, मजा आएगा पता। जब हम घर के अंदर जब काम करते हैं 5x5 फीट का कैनवास भी बहुत बड़ा लगता है, बट वो जब गैलरी में जाता है ना, तो फिर जब मैं खड़ा होता हूँ मेरे वर्क को देखता हूँ, मुझे 5x9 फीट का भी मैंने वर्क लगाता हूँ मैं एग्जिबिट में, मेरे मतलब ज्यादातर मेरे जो काम होते हैं एक्रेलिक में बड़े बड़े होते हैं, तो वो भी छोटे लगते हैं, ऐसे लगते हैं यार ये तो छोटा बन गया, ऐसे करके देखता हूँ उसको, यार ये छोटा बन गया, मजा नहीं आया। ड्रॉइंग मैंने आज तक कभी बड़े साइज में नहीं किया, मुझे डर लगता है एक्चुअली कि बड़े में मैं उतना कर पाऊंगी कि नहीं, पेंटिंग में A3 तक गई हूँ, उससे ज्यादा नहीं करो करो डर खत्म हो जाएगा। एक ना कंफर्टेबल जोन है ना, कंफर्टेबल जोन कभी क्रिएट मत करो, उससे बाहर नहीं, है ना,
हर चीज को, कभी आज वाटर कलर, कभी पेस्टल, कभी ऑयल पेस्टल, कभी ऑयल, कभी अक्रेलिक, बदलते रहोगे, है ना? डेली डेली, हाँ डेली डेली आलू खाओगे तो गड़बड़ है। नहीं सर, मेरी वही है कि मैं किसी एक मीडियम में, किसी बहुत लोगों का किसी एक मीडियम में पकड़ होता है मेरा, मुझे सब कुछ ट्राई करना है। बिल्कुल, मैं सब कुछ ट्राई करती हूँ, गौश कलर, वाटर कलर, बट स्पेशलाइजेशन किसी एक में हो जाता है। हम ट्राई सब कुछ करते हैं बट एक किसी एक में स्पार्क तगड़ा होता है आपका। जैसे मैं सब कुछ करता हूँ बट मुझे लगता है कि मेरा पेंसिलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मेरा पेंसिलिंग ठीक है, बाकी करता हूँ मैं सारा। क्रिएटिव आर्ट मैं देखती हूँ तो मुझे भी बहुत मन करता है, लेकिन मेरे से ना वो फुल फिगर वाला बनता ही नहीं है। वो बन जाएगा, प्रयास करो, निरंतर अभ्यास, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मीनिंग ही यही है, निरंतर उस समय तक अभ्यास करना जब तक कि वो चीज आ ना जाए। ठीक है, तो वही करना है। ठीक है, आप मतलब केवल पेंसिल इस तरह से खींचते हो एक आर्ट बन जाता है, हम लोग खींचते हैं तो स्पॉइल हो जाता है। इसके 100 पेपर बर्बाद करो, 100 पेपर वेस्ट करो आपका, 100 वाला 1 वाला सब आपका वही होना पता है। उसके पीछे रीजन है कि मैं बताता हूँ ना, जब भी मैं पढ़ाता हूँ, जब भी मैं लाइव आता हूँ, तो मैं एक चीज यही कहता हूँ कि ना इसका और मेरा एक संबंध है, हम रिलेशनशिप में है दोनों बहुत ज्यादा, और तगड़ा है। इसको पता है कि मैं, मुझे केके ने पकड़ रखा है और मुझे पता है मैंने इसे पकड़ रखा है। ये लोगों के लिए नॉन लिविंग, मतलब नॉन लिविंग थिंग है, बट फॉर मी इट्स लिविंग थिंग, है ना? मेरे हिसाब से ये हंसती भी है, खेलती भी है, मेरे हाथ में प्ले करती है। हम दोनों का संबंध इतना तगड़ा है कि पेपर पे कुछ भोकाल करते हैं, तो वही वाली बात है ना? तो अपनी स्टेशनरी, अपने इन चीजों से लगाव रखो, इन्हें जिंदा करो, हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो बढ़िया, है ना? अच्छा लगा। आई थिंक अब हमें ना इस वीडियो को सेव कर लेना चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम वाला कभी कभी ना आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है, वीडियो सेव नहीं होता है ना? तो बड़ा नॉलेजेबल रहा ये सेशन, एंड सीरियसली मतलब मुझे नहीं पता था कि मतलब एक जो बातचीत में इतना सही इंटरेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि मेरे लिए आपसे बात पहली बार, ये हमारी पहली मुलाकात है, आपको भी पता है। हाँ, पहली बार, तो पहली मुलाकात, लेकिन हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझसे? हाँ आपसे। अरे अच्छा, जरूर जरूर, जहां से ज्ञान मिले लेते रहना चाहिए। तो मेरा कहना है कि स्केचिंग आप एक दिन में कितना करते हो? आप स्केचिंग एक दिन में ऐसा रहता है कि 10-12 तो मैं मतलब रैपिड स्केच कर ही लेता हूँ। मतलब मुझे रहता है कि लाइव, हाँ लाइव मुझे करना है। मतलब 4 बजे तो मेरी छुट्टी होती है, मैं कॉलेज से आता हूँ, तो मैं एक चाय की थड़ी है वहां ऑलवेज बैठता हूँ, चाय पीता हूँ, देन स्केचिंग वगैरह करता हूँ। मेरे साथ में बच्चे भी होते हैं, मतलब रूटीन बना रखा है एक मैंने, एक रूटीन है मेरे साथ बच्चों का। अभी जिस फ्लैट में रह रहा हूँ मेरे साथ 8 बच्चे रहते हैं, और 8 के 8 फाइन आर्ट्स कर रहे हैं मेरे ही को ले। अच्छा। पूरा माहौल, तो माहौल की तो कोई टेंशन ही नहीं है। सही है फिर तो। तो आप रेगुलर कॉलेज रहते हो, आप वहाँ पे फैकल्टी हो? हाँ रेगुलर, रेगुलर फैकल्टी। तो रेगुलर मींस आप लाइक स्केचिंग या फिर ऑल मीडियम? नहीं, मैं मास्टर्स की क्लास लेता हूँ, ऑल मीडियम लेता हूँ, सेकंड ईयर का स्टिल लाइफ की क्लास लेता हूँ, मास्टर्स की कंपोजिशन लेता हूँ, एंड फाउंडेशन की ड्रॉइंग लेता हूँ। तीन है। तो अगर किसी को स्केचिंग एकदम क्लास इंप्रूव करना है, एकदम खतरनाक लेवल को, उसके लिए कुछ टिप्स या ट्रिक्स? ट्रिक्स मैं बताऊं, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये अभी की मेहनत नहीं है, ये एक्चुअली जो मैं कॉलेज टाइम पे था ना, मैं 70 स्केच डेली करता था, 70 हाँ सही है ना क्वांटिटी, हाँ, इतना मतलब 50 हमारे टीचर अलाउ नहीं करते थे क्लास के अंदर, 30 स्केच तो मिनिमम है, या फिर कुछ टीचर जो खड़ूस थे वो बोलते थे 50 स्केच चाहिए मेरे को, तब तेरे को क्लास में। और मुझे मजा आता था, मुझे मजा आता था सीरियसली, मुझे मजा। हमारा कॉलेज 2 बजे खत्म हो जाता, 2 बजे के बाद 2 से 7 बजे तक मैं स्केचिंग ही करता था, बहुत मजा। और तब से, हाँ तब तो रेलवे स्टेशन, और पता क्या, जयपुर की एक एक गलियां अपने आप में स्टोरी है, मसाले वाले गली, मतलब नमक की गली, हल्दियों का रास्ता, खुटेटा की कचोरी, मतलब हर एक छोटे नाम पे एक बहुत तगड़ी तगड़ी गलियां बनाई हुई है, और इतना खूबसूरत है ना, सिटी वाला जो एरिया है जहाँ हवा महल है, म्यूजियम है, वो वाला जो एरिया, वो एरिया क्राउडी, पगड़ी वाले लोग, हाथों में बैग, उधर नीचे फूल की दुकान लगी हुई है, वहां उधर साइड में समोसे, मतलब मजा आता है बनाने में, वो वाला रहता है। आप कौन से कॉलेज में? वैसे मैं अभी यहाँ पे विवेकानंद यूनिवर्सिटी में हूँ। अच्छा, विवेकानंद यूनिवर्सिटी में? हाँ। और मैं, शालिनी मैम लोग का कौन सा कॉलेज है? वो कोटा में है, वो मेरे राजस्थान में, कोटा में। अच्छा कोटा, वहाँ बी एम ए, वहाँ बी एम ए है, बी एफ ए नहीं है, बी एम ए। अच्छा बी एम ए, अच्छा समझ गया मैं। हाँ वो वोकेशनल कोर्स है वो।
ओकेशनल है वो, नहीं इसके लिए सही है ना। बिल्कुल तो आप रेगुलर कितना घंटा काम करते हो आप? रेगुलर देखो डिपेंड करता है कि जैसे क्लासे भी हैं, दो तीन बैच ले रखे, मैं वीक में तीन तीन दिन मेरी क्लासेस रखता हूँ, बाकी खुद के काम के लिए रखता हूँ। तो रात भर अच्छा कर लेते हैं काम, मतलब कॉलेज कितने घंटे का आज होता है? सैटरडे, कॉलेज अभी ये कितने सेशन घंटे खत्म होते ही मैंने अभी 5x5 का कैनवास लगा रखा है, मैं दिखाता अभी सेटअप है, अभी बस का? ये सेशन खत्म होते मैं स्टार्ट करूंगा। हाँ। अरे क्या बनाने वाले 5x5 में? छोटा नहीं है वो? ऑयल के अंदर एक पोर्ट्रेट, पगड़ी वाला एक ऑयल के अंदर पोर्ट्रेट, अच्छा बटम्बर कलर, रियलिस्टिक, सिर्फ बटम्बर कलर से, एक ही कलर मोनोक्रोम। हाँ रियलिस्टिक। रियलिस्टिक नहीं, थोड़ा सा इम्प्रेशन, एब्स्ट्रैक्ट इम्प्रेशन के साथ में मैं डालता रहता अरे हूँ। वाह, अरे सही है, 5x5 फीट सुन के ही मजा आ जाता, दिल मारे मिले तो अभी रगड़ वही है, पता अरे है सही है जब बहुत। बातचीत नहीं हुई थी तो ऐसा लगता था पता नहीं कैसे रूट से होंगे, मतलब इतना, मतलब ऐसा लगा नहीं था, अच्छा कोई फोटो से ऐसा लगा था मेरे को, यार ये दीपक थोड़ा सा रूट है, ऐसा लगा मेरे को ऐसे, अरे बस अरे सीरियसली ऐसा लगा नहीं कि हम कभी बातचीत हमारी हुई नहीं है, सीरियसली बहुत अच्छा लगा। अरे थैंक एंड यू। मुझे मुझे ऐसा लगा कि मेरा जैसा ही कोई है सामने, अरे जिसको बताने में भी मजा मजा आने आता वाला है, जिसे बताने में मजा आ रहा है, जिसे बात करने में मजा आ रहा है ना। नहीं नहीं क्या थैंक होता है यू। कि शक्लें ऐसी रह गई ना कि मिली, मतलब मेरी शक्ल के हिसाब से तो एक शायरी है कि मिलोगे तो कायल हो जाओगे, वही मैं आपके लिए भी बोलूंगा कि मिलोगे तो कायल हो जाओगे, दूर से हाँ देखने पे हम जरा मगरूर नजर आते हैं। वो सेम बहुतों ने बोला है मेरे को, बहुतों ने बोला है ये कॉलेज में, मेरा एटीट्यूड यही था कॉलेज में भी एटीट्यूड, कोई बात ही नहीं कर रहे, चाहता था आता ही नहीं था डर से, मेरा भी यही क्या रहता बात था कॉलेज करेंगे, इसी बात में करूं। मेरा भी यही रहता था, ये मेरा अभी तो शक्ल थोड़ा सा ऐसे, मतलब अब तो साला आदमी टाइप के हो गए, पहले ऐसे ऐसे रहता लड़के टाइप के, तो रेबन चश्मा और लगा के रखता था, रेबन चश्मा हाँ उतरता नहीं, कॉलेज में भी चश्मा नहीं उतारा 3rd ईयर के बाद तो। तो जूनियर से डरते थे, अरे यार ये आदमी ना डांटेगा, अब उन्हें स्केचिंग से रिगार्डिंग पूछना भी है लेकिन वो डरते भी थे, अरे यार ये आदमी डांटेगा। नहीं मैं कॉलेज में था तो सीनियर्स भी देख के बोलते थे, ये लोग भैया भैया भाई, मतलब भाई जूनियर हूँ भाई, भैया भैया क्या भाई क्या चल बिल्कुल रहा है यहाँ पे यार, इतना भी ऋषभ, पड़ोस थोड़ी दिखता हूँ भाई। बिल्कुल ऋषभ 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 रिक्वेस्ट सेंड करो, ज्वाइन करो एक बार, थोड़ा सा ज्वाइन करो हाँ ऋषभ, नहीं है आराम से है, टाइम ना है मेरे ऋषभ, एक पास। अच्छा बहुत अच्छा लड़का है अभी, मतलब अच्छा काम कर रहा है, ड्राइंग भी बहुत अरे वो अच्छी, सही है, वाटर कलर अरे बहुत कुछ अच्छा करता है, मुझे लगता है ना सही है, जिसका करना काम अच्छा है उसको प्रमोट करना चाहिए, ये ही चाहिए, मेरा नहीं सही बात है, और नॉलेज अप्रिशिएट हमेशा करना ऑनेस्टली चाहिए। शेयर करना चाहिए, ऊपर लेके थोड़ी जाएंगे नॉलेज को हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यानी उससे भाई पहले एक बांट दूसरे लो। से, भाई कल को ऋषभ हमसे ऊपर चला जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी है, वो वही मेहनत ना, करेगा तो जाएगा, ऋषभ जाए क्यों नहीं, हो ऐसे ही सुरेश बात हो नरेश हो कोई भी हो। है। बिल्कुल इंडियन ट्रेडिशनल नाम पूरा रट के रखा है आपने। बिल्कुल, सीमा पूजा सुशीला सब। पूजा गई पूजा करने। यही तो नाम थे, ये आजकल आए हैं दूसरे नाम तो अच्छे वाले, हमारे भी भगवान के नाम पे रख दिए, चलो कृष्ण रख दिए तो रख दिए हाँ ठीक है, नहीं तो रख दी भाई नाम ना, ना नहीं ना नाम ही, अच्छा है आपका, ना बाकी नाम वही है, रविंद्र सुरेंद्र महेंद्र यही चलते आ रहे थे हमारे राजेंद्र टाइम पे तो। राजेंद्र। ऋषभ आ रहे और हो? गांव में, ऋषभ और पता गांव नहीं में आ तो रहे हैं कि नाम नहीं आ रहे बहुत हैं ठीक लगा है, देते हैं सब। चलो ठीक है, अब आपका टाइम बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है ना, कोई एंड नहीं कोई नहीं, सीरियसली ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा नहीं लगा, थैंक यू मतलब आपके, बहुत कुछ आपको मेरी सीखा, साइड से थैंक अच्छा बहुत कुछ सीखने को मिला सीरियसली, बहुत अच्छा नो डाउट, एंड नेचर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बात मैंने लाइफ कईयों के साथ किया है बट मजा आया सीरियसली, नेचर बहुत हाँ अच्छा है, और मैं जितने भी बच्चे लोग आपको सब देख भाई रहे हैं प्लीज जाके परेशान कर सकते हैं आप, इनकी आईडी को फॉलो कर सकते हैं ठीक है, थैंक इसका बिल्कुल हाँ मेरे उसमें मिल जाएंगे, मेरे लास्ट पोस्ट में मैंने टेक किया हुआ है तो वहां से मिल जाएंगे ठीक है, तो जाएं फॉलो करें, क्वेश्चंस पूछें, हर आदमी सिखाना चाहता है, हर अच्छा आदमी सिखाना नहीं चाहता नहीं है, कोई भी पक्का साथ एकदम में छाती पे लेके कोई नहीं मरेगा, सब भोपाल सिखाते बजाना हैं। चलो ठीक है है कमल भाई, है ना, सबको। ओके बाय बाय, जय गुड नाइट, जय लंकेश, लंकेश, जय बाय, लंकेश, बाय, सी बाय, यू, सी यू। बाय।